ओके चलो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का टॉपिक. अपना लास्ट क्लास में कौन सा टॉपिक हुआ था, क्या कवर किया था अपन ने? वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स. वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स कर लिया था और उसके क्वेश्चन सारे कर लिए थे. पहली वाली क्लास में जितने भी अपन ने क्वेश्चंस किए थे वो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको टाइम दे रहा हूँ थोड़ा सा और डिस्कस करने के लिए. आपको अभी भी कोई डाउट है क्या? आप देख के आए क्वेश्चंस? अब है डाउट? देखो कल डाउट नहीं आया था, अब डाउट आ गया, मतलब अभी पढ़े हो आप. हाँ क्वेश्चन नंबर सेकंड, वन सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड. अच्छा वो लीवरेज वाला क्वेश्चन होगा. हाँ क्वेश्चन नंबर सेकंड, उसके आंसर में जो लीवरेज इफेक्ट ऑन गुडविल है. हाँ टू सेवेंटी कहां पर दिया है? हाँ अच्छा, ये जो 271 है पॉइंट फोर, 271.46, आपका कुछ और आ रहा है. आपका कितना आ रहा है? हाँ हाँ ऊपर कहाँ पर बताना? लीवरेज इफेक्ट वाला ही ना, 273. देखो पहले इनका फ्यूचर मेंटेन प्रॉफिट ऑन इक्विटी आ रहा था 253.64, ये तो आपका आ रहा है ठीक है. फिर फ्यूचर मेंटेन प्रॉफिट ऑन लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, तो 253.64 में उसने क्या किया, उसने इंटरेस्ट को एड बैक कर दिया, 273.242 आ गया. ये भी आपका आ रहा है? हाँ ठीक है, ये बराबर आया. फिर टू सेवेंटी वन पॉइंट फोर सिक्स क्यों है? वन सेकेंड, 271.46 का कोई इन्होंने कैलकुलेशन नहीं बताया क्या? हाँ ये बिना कैलकुलेशन के अमाउंट दिया हुआ है, वो 273 होगा क्योंकि ऊपर उन्होंने निकाला तो है 273.242, वही होगा, वही होगा, 100% वही होगा. अच्छा ये 536 जो आ रहा है ये 273 से आ रहा है क्या? टू सेवेंटी थ्री पॉइंट टू फोर्टी टू. नहीं है, थोड़ा सा चेंज, मतलब आंसर भी चेंज हो जाएगा बिल्कुल. बताओ ना ये 273 थ्रू क्या किया आपने? टू सेवन, मुझे साइड में सॉल्व करवा के बताओ. 273.242 डिवाइड बाय 12%, हाँ कितना आया? 2277 आ रहा है ना, 2277 आ रहा है. 273.242 डिवाइडेड बाय 12%, 2277, 2277 ही आ रहा है, 2277 ही आ रहा है. मतलब ये सिर्फ उन्होंने एक अमाउंट गड़बड़ लिखा है, ये बाकी ये आंसर ठीक है, आंसर ठीक है ठीक है. चलो और कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन थर्ड. हाँ क्वेश्चन नंबर थर्ड में एडिशनल प्रोविजन का पॉइंट देखा था, बिल्कुल देखा था. हाँ नहीं, दो बातें मैं आपको एडिशनल प्रोविजन फॉर टैक्स के रिगार्डिंग बता देता हूं क्या क्या होगा. एडिशनल
प्रोविजन फॉर टैक्स हमें कब लेना है? दो बातों में, जब फ्यूचर टैक्स इज हायर देन करंट टैक्स रेट। एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर थ्री जो अपन ने ये किया, या दूसरा व्हेन देयर आर सम एडजस्टमेंट्स इन करंट ईयर लाइक रिकवरी ऑफ बैड डेट और क्लेम्स टू बी अकाउंटेड फॉर। अब ये सारे के सारे एडजस्टमेंट कब हों? करंट ईयर में, करंट ईयर में। एंड द वर्ड वर्ड इज टू बी अकाउंटेड फॉर, इनको अकाउंट फॉर करना है। तो डेफिनेटली अगर मुझे इनको अकाउंट फॉर करना है तो मुझे इसके ऊपर टैक्स इज रिक्वायर्ड, टैक्स लाइबिलिटी इज रिक्वायर्ड। आई थिंक इसका एग्जाम्पल नंबर कल हमने एक क्वेश्चन किया था, मुझे याद नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 चेक करो, क्वेश्चन नंबर 12 था क्या? क्वेश्चन नंबर 12 था क्या? देखो 12 एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 12, तो आप चाहो तो इसको नोट कर लो। ठीक है, ठीक है, एडिशनल प्रोविजन फॉर टैक्स को तुम हमेशा कैपिटल एम्प्लॉयड में लोगे। ठीक है, पर जब तुम एफएमपी कैलकुलेट करोगे तो एफएमपी में तुम्हारा 3 साल का मान लो प्रॉफिट है, ठीक है ना, तुम्हारा 3 साल का एडजस्टेड प्रॉफिट है, एडजस्टेड प्रॉफिट। बात समझ आ रही? अब इस तुम 3ों साल के एडजस्टेड प्रॉफिट को क्या करते हो? एवरेज। फिर एवरेज के बाद तुम इसमें टैक्स तो वैसे भी माइनस करते हो ना डियर, टैक्स एट द रेट ऑफ 40% या 50% या 35% जो भी दिया होता है। वो और वो तुम कौन सा वाला टैक्स लेते हो? फ्यूचर वाला टैक्स लेते हो ऑलरेडी, तो फिर तुम्हें एडिशनल बद लगाने की जरूरत ही क्या है? तुम तो नया सारा ले ही रहे हो ना। हाँ, उसमें तो शामिल हो ही गया, तो इसीलिए एडिशनल प्रोविजन फॉर टैक्स को सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड में लेना है। आई बात समझ में? लेना है, लेना है, चाहे मेरा गेन नेचर का हो चाहे मेरा लॉस नेचर का हो। आपका कहना है कि कल के एग्जाम्पल में एक में रिकवरी ऑफ बैड डेट था तो इनकम हो रही थी तो उस पर टैक्स लग रहा था, तो उसमें भी लेना है, खाली खाली वो होता। और दूसरा सर, अगर हमारा सिर्फ क्लेम ऑफ कॉम्पनसेशन है जिसको हमें टू बी प्रोवाइडेड फॉर करना है तो हमारा तो सर टैक्स बच रहा है सर, तो वो भी लेना है, कंसीडर करना है उसको हमें। उसको आप बोलोगे एडजस्टमेंट इन द करंट टैक्स प्रोविजन, क्योंकि आपका जो टैक्स प्रोविजन ऑलरेडी बना हुआ है आप उसको एडजस्ट कर रहे हो, लेस कर रहे हो। ठीक है, हाँ जी, और कोई डाउट? और कोई डाउट डियर? सबको क्लियर है? और कोई क्वेश्चंस? नथिंग। सो मैं मान के चलूं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और वैल्यूएशन ऑफ शेयर फाइनल है, पक्का? ओके चलो, वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस। वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस, यू गाइस मस्ट हैव नोट्स ऑल्सो नाउ, ठीक है ना, बुक्स या नोट्स जो भी आपके पास हैं वो निकाल लीजिए।
हम वैल्यूएशन चैप्टर को आज किसी भी हाल में कंप्लीट कर लेंगे। आज का मेरा टारगेट है किसी भी हाल में फर्स्ट सेशन में मुझे वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस और वैल्यूएशन ऑफ ब्रांड कंप्लीट करना है, और सेकंड सेशन में मुझे कोई छोटा सा टॉपिक उठाना है ताकि सेकंड सेशन में टॉपिक उठा के उसको सेकंड सेशन में ही खत्म कर दूं। तो कल की क्लास से अपन एक बड़ा सा टॉपिक उठाएंगे। कल की क्लास में अपन या तो कंसोलिडेशन उठाएंगे या तो अपन कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग उठाएंगे, दोनों में से कोई एक उठाएंगे। ठीक है, तो आज का टारगेट अपना बिल्कुल क्लियर कट है कि अपने को वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस और वैल्यूएशन ऑफ ब्रांड करना है। ठीक है गाइस, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस, वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस, वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस। कल की क्लास में मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, मैं उस एग्जाम्पल को फिर से रिपीट कर देता हूं। एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया था कल की क्लास में, मैं उस एग्जाम्पल को रिपीट कर लेता हूं। मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि एक मुर्गी है और वो एक सोने का अंडा देती है, सोने का अंडा देती है। दैट सोने का अंडा मुझे हर साल देती है पर एनम। मुर्गी मुझे सोने का अंडा हर साल देती है पर एनम। वो सोने के अंडे की वैल्यू है 1,00,000 रुपए, या यू समझो उस सोने के अंडे की वैल्यू है 10 रुपए। सोने के अंडे की वैल्यू है 10 रुपए। मुर्गी जो है, मुझे मुर्गी की वैल्यू पता करनी है, मुझे मुर्गी की वैल्यू पता करनी है, पर मुझे मुर्गी की वैल्यू पता नहीं है, मुझे तो अंडे की वैल्यू पता है। अंडा कितने का है बोलो बेटा? 10 रुपीज का। और मेरा NRR, मेरा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, माय एक्सपेक्टेशन, शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन, मेरा एक्सपेक्टेशन है टू अर्न 12%, 12%। तो मैंने क्या बोला कि भाई अगर एक अंडा 10 रुपए का है और हर साल मुझे ये अंडा 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 मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, तो अगर मैं इस अंडे का 12% पे कैपिटलाइजेशन कर दूं, क्या कर दूं, वन सेकेंड, 12% पे अगर मैं कैपिटलाइजेशन कर दूं, आप करो 10 डिवाइड बाय 12%, 10, एक अंडा डिवाइडेड बाय 12%, बोलो 83.33। तो ये 83.33 क्या हुआ? 83.33 का मतलब क्या हुआ इसका? मुर्गी की वैल्यू, बोलो बेटा, मतलब एक मुर्गी मुझे अंडे देते जाएगी, देते जाएगी, देते जाएगी। तो अगर मुझे मुर्गी की वैल्यू पता करनी है, तो अगर मैं सारे अंडे की वैल्यू पता कर लूं, जितने भी लाइफ टाइम में मुझे जितने भी अंडे मिलेंगे, अगर मैं सारे अंडे की वैल्यू पता कर लूं, तो अल्टीमेटली सारे अंडे की वैल्यू इज बराबर मुर्गी की वैल्यू। तो मैंने उसको कल के एग्जाम्पल में ऐसा बोला था कि भाई ये जो तुम्हारा अंडा है वो तुम्हारा DPS है। ये अंडा क्या है? DPS है। क्या हो रहा है यार, वन सेकेंड, ये जो अंडा है वो तुम्हारा DPS है, डिविडेंड पर शेयर है, डिविडेंड पर शेयर, समझ रहे हो ना? तो डिविडेंड पर शेयर मतलब एक मुझे शेयर पर डिविडेंड मिल रहा है 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए, वो मुझे मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, मिलता जाएगा। तो आज मुझे उस शेयर की वैल्यू अगर निकालनी है, तो उस 10 रुपए का अगर मैं कैपिटलाइजेशन कर लूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे क्या मिल जाएगा, वैल्यू ऑफ शेयर। यही कॉन्सेप्ट आपका अप्लाई होगा वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस में, यही कॉन्सेप्ट आपका अप्लाई होगा वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस में। बच्चों, वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस में अब आपको DPS नहीं चाहिए, अब आपको EPS नहीं चाहिए। अभी तक हम वैल्यूएशन ऑफ शेयर में डिविडेंड पर शेयर बोल रहे थे या अर्निंग पर शेयर बोल रहे थे। तो पर शेयर पे जब हम उसका कैपिटलाइजेशन कर रहा हूं, तो मुझे वैल्यू ऑफ शेयर मिल रहा है। कल की क्लास नहीं भी ध्यान है तो मैं बोल रहा हूं कि अगर मान लीजिए अर्निंग पर शेयर रखा है मेरे पास, एक शेयर पर अर्निंग हो रही है, डिवाइडेड बाय कैपिटलाइजेशन रेट, डिवाइडेड बाय कैपिटलाइजेशन रेट, ठीक है ना? तो शेयर की वैल्यू मिल गई, टोटल शेयर की वैल्यू मिल गई। अब मैं बोल रहा हूं फॉरगेट अर्निंग पर शेयर, टेक अर्निंग्स, टोटल अर्निंग्स, फॉरगेट अर्निंग पर शेयर, टेक टोटल अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, EAESH। अब बोलो अगर मैं EAESH का कैपिटलाइजेशन करूं,
टोटल अमाउंट का कैपिटलाइजेशन करूं, मैं साल भर में 5 करोड़ रुपए कमाता हूं, किसके लिए? शेयर होल्डर्स के लिए। 5 करोड़ कमाता हूं शेयर होल्डर्स के लिए। अगर मैं उस पूरे 5 करोड़ का कैपिटलाइजेशन कर दूं 10% पर, मेरे शेयर होल्डर्स का एक्सपेक्टेशन है 10%, तो 5 करोड़ / 10% व्हाट आई विल गेट? जल्दी बोलो, व्हाट आई विल गेट? वैल्यू ऑफ बिजनेस। अगर ईपीएस डिवाइडेड बाय कैपिटलाइजेशन रेट वाज वैल्यूएशन ऑफ शेयर था, तो वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस क्या होगा? अर्निंग डिवाइड बाय कैपिटलाइजेशन रेट। अरे बोलो ना, समझ में बात आ रही कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं? तो वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस बहुत अलग अलग तरीके से निकाली जा सकती है। पहला, कैपिटलाइजेशन अप्रोच। कैपिटलाइजेशन अप्रोच बोलता है कि अर्निंग को डिवाइड करो कैपिटलाइजेशन रेट से। कौन सी अर्निंग को? पैट को कि ईएएसएच को? ईएएसएच को, पैट को नहीं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को नहीं, ईएएसएच को। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? अरे बोलो ना, क्लियर? एक होता है ये तरीका बिजनेस की वैल्यू करने का। दूसरा तरीका सुनो, मेरी बात को ध्यान से समझना। दूसरा मेथड बोलता है कंसीडर द कैश फ्लोस फ्रॉम द कंपनी। आप ये देख लो कि फ्यूचर में आपको कंपनी से एक्सपेक्टेड कितने कैश फ्लोस होने वाले हैं, कितने कैश फ्लोस होने वाले हैं, या फिर कितने इंक्रीमेंटल कैश फ्लोस होने वाले हैं। जैसे मेरी कंपनी तुम्हारी कंपनी को टेक ओवर करने वाली है, अब मैं सोच रहा हूं कि तुम्हारे बिजनेस का क्या वैल्यूएशन होना चाहिए। मेरी कंपनी तुम्हारे बिजनेस को टेक ओवर करने वाली है, तो मैं सोच रहा हूं यार तुम्हारे बिजनेस की वैल्यू क्या होगी, सो दैट मैं तुम्हें पीसी दूं, परचेस कंसिडरेशन दूं। तो मैंने ये देखा कि अगर मैं तुम्हारे बिजनेस को टेक ओवर कर लेता हूं, तो मुझे आने वाले 20 साल के फोरकास्ट, कैश फ्लो फोरकास्ट कुछ मिल जाएंगे। तुम्हारे बिजनेस को टेक ओवर करने के बाद मेरे बिजनेस में, अगर मैं तुम्हारे बिजनेस को मिला दूं, तो मेरे फ्यूचर के 20 इयर्स के कैश फ्लो फोरकास्ट मैंने निकाल लिया। हाँ या ना तो बोलो, समझ में बात आ रही कि नहीं? कैश फ्लो फोरकास्ट मैंने निकाल लिया, किस बिजनेस का? बिजनेस मर्ज होने के बाद का। कितने साल का निकाल लिया? 20 इयर्स का कैश फ्लो फोरकास्ट निकाल लिया। और मैंने ये सोचा कि अगर मान लो मैं तुम्हारे बिजनेस को टेक ओवर नहीं कर लूं, ना करूं, तो मेरे सेपरेट बिजनेस के आने वाले 20 साल के कैश फ्लो फोरकास्ट कितने हैं? तो एक होंगे मेरे सेपरेट बिजनेस के कैश फ्लो फोरकास्ट, और एक होंगे मेरे मर्ज्ड बिजनेस के कैश फ्लो फोरकास्ट। तो मुझे इससे मिल जाएंगे इंक्रीमेंटल कैश फ्लोस, कि अगर मैं तुम्हें टेक ओवर कर रहा हूं तो कितने मेरे कैश फ्लोस 20 साल में बढ़ रहे हैं। मान लीजिए कमिंग फर्स्ट ईयर का मेरा कैश फ्लो होगा सेपरेट बिजनेस का 200 करोड़, और अगर मैं तुम्हारे बिजनेस को मर्ज कर लूं तो मेरे कैश फ्लोस हो जाएंगे 280 करोड़। तो मेरे इंक्रीमेंटल कैश फ्लोस कितने हो रहे हैं? 80 करोड़। ऐसे ही मैंने 20 साल के इंक्रीमेंटल कैश फ्लोस निकाल लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारे बिजनेस को टेक ओवर करने से मुझे 20 साल तक फायदा होगा। आई बात समझ में कि नहीं? तो मैंने तुम्हारे 20 साल के इंक्रीमेंटल कैश फ्लोस निकाल लिए, और उन सारे इंक्रीमेंटल कैश फ्लोस की प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली। सारे इंक्रीमेंटल कैश फ्लोस की क्या निकाल ली? प्रेजेंट वैल्यू। और जो वो प्रेजेंट वैल्यू आएगी, दैट वैल्यू विल बी ट्रीटेड एज द वैल्यू ऑफ योर बिजनेस। आई नीड टू पे यू मैक्सिमम। मैं मैक्सिमम तुम्हें कितना पे कर सकता हूं? जितना मुझे तुम्हारे बिजनेस से कैश फ्लो होगा। आई बात समझ में कि नहीं? सो दिस इज कॉल्ड कैश फ्लो अप्रोच। तो वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस, एक तो कैपिटलाइजेशन अप्रोच होता है, और एक होता है आपका कैश फ्लो अप्रोच। मेरी बात समझ में आएगी नहीं? बोलो बच्चों, क्लियर है कि नहीं? क्लियर है यहां तक? चलिए देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन होंगे। सो मैं आपको ये बता रहा था कि वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस 3 टाइप का। सबसे पहले कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन अप्रोच होगा सबसे पहला, ठीक है? कैपिटलाइजेशन अप्रोच कहता है कि अर्निंग्स डिवाइडेड बाय एनआरआर।
अब जो ये अर्निंग्स होंगी ये होनी चाहिए ई ए ई एस एच. आपका ई ए ई एस एच कैसे आएगा? जो एफ एम पी है आपका उसी से आएगा. याद है अपन एफ एम पी कैसे निकालते हैं? तो जो आपने एफ एम पी निकाला है आफ्टर टैक्स आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड उसी से आएगा. आफ्टर टैक्स आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड. दूसरा कैश फ्लोज अप्रोच. कैश फ्लोज अप्रोच. अब ये कैश फ्लोज अप्रोच क्या है? इसमें आपको इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज ढूंढना है. इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज ढूंढना है, ठीक है? इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज कैसे आएंगे? कैश फ्लोज ऑफ मर्ज्ड बिजनेस माइनस कैश फ्लोज ऑफ सेपरेट बिजनेस. सेपरेट बिजनेस कैश फ्लोज ऑफ मर्ज्ड बिजनेस माइनस कैश फ्लोज ऑफ सेपरेट बिजनेस. ठीक है, क्लियर है बेटा? बोलो क्लियर है कि नहीं? ओके. उसके बाद तीसरा तीसरा तरीका, अगर आपने वैल्यूएशन ऑफ शेयर समझा है तो वैल्यू ऑफ शेयर जो भी आपका आया है, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, इनटू नंबर ऑफ शेयर्स करेंगे तो भी हमारा क्या आ जाएगा? वैल्यू ऑफ बिजनेस. अरे वैल्यू ऑफ शेयर अपन ने निकालना सीखा हुआ है. वैल्यू ऑफ शेयर मतलब एक इक्विटी शेयर की वैल्यू आपने निकाल ली, इनटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कर लो. ये मेथड कब लगेगा? अब ऑब्वियसली ये एक रेसिडुअल मेथड है. ये मेथड कब लगेगा? जब कैपिटलाइजेशन मेथड आपको नहीं लगाना है, जब कोई कैपिटलाइजेशन की कोई टेक्निक नहीं लगानी, जब इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज वगैरह नहीं दिए हुए, ये मेथड आपका तब लगेगा. मेरी बात समझ में आएगी नहीं गाइस? क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13. जयदेव लिमिटेड हैज अर्नड अ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रुपीज 48 लाख फॉर द ईयर एंडेड 2013. ईयर एंडेड 2013 के लिए आपका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 48 लाख है. इट वॉन्ट्स यू टू एसर्टेन द वैल्यू ऑफ इट्स बिजनेस बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, टैक्स रेट फॉर द ईयर 2013 was 36%. Future tax rate is estimated to be 34%. Future का कितना रहेगा? 34%. एक बात बताओ, 36 कितना ये अपना कितना दिया हुआ है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स? जल्दी बोलो, पैट कितना दिया हुआ है? 48. तो पीबीटी कितना हो जाएगा? 48 डिवाइडेड बाय 64%, कितना? 75 लाख. क्लियर बेटा? आगे, द कंपनीज इक्विटी शेयर्स आर कोटेड एट 120 एट द बैलेंस शीट डेट. द कंपनी हैड एन इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज 100 लाख. कंपनी हैड एन इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 100 लाख डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ 50 ईच. तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हुए? नंबर ऑफ शेयर्स बताओ कितने हुए कंपनी के? नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हुए? हाँ, 2 लाख. नंबर ऑफ शेयर्स हुए 2 लाख. प्रॉफिट फॉर द ईयर 2013 हैव बीन कैलकुलेटेड आफ्टर कंसीडरिंग द फॉलोइंग इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. जो ये प्रॉफिट निकाला गया है ना, ये 75 लाख रुपीज, इसको कैसे निकाला गया है? सब्सिडी ऑफ रुपीज 2 लाख रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट टुवर्ड्स फुलफिलमेंट ऑफ सर्टन सोशल ऑब्लिगेशंस. The government has withdrawn this subsidy and hence this amount will not be received in future. Non-recurring item. तो क्या करोगे इस non-recurring item का? जल्दी बोलो, क्या करोगे इस non-recurring item का? PBT तुम्हारा निकल चुका है 75. इसमें से तुम सब्सिडी माइनस करोगे. जल्दी बोलो, सब्सिडी माइनस करोगे 2 लाख. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा?
इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 8 लाख ऑन टर्म लोन, द फाइनल इंस्टॉलमेंट ऑफ दिस टर्म लोन वॉज फुल्ली सेटल्ड दिस ईयर. इस साल लोन सेटल हो चुका है तो फ्यूचर में ये इंटरेस्ट आपको पे नहीं करना पड़ेगा. इसका मतलब नॉन रिकरिंग आइटम, उसको भी हटाना पड़ेगा. एड बैक इंटरेस्ट कितना? हाँ, 8 लाख. मैनेजरियल रेम्युनरेशन ऑफ रुपीज 15 लाख, द शेयर होल्डर्स हैव अप्रूव्ड एन इंक्रीज ऑफ रुपीज 6 लाख इन द ओवरऑल मैनेजरियल रेम्युनरेशन फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स. तो माइनस एडिशनल मैनेजरियल रेम्युनरेशन कितना रहेगा? 6 लाख. तो बताओ ये आपका FMP बिफोर टैक्स कितना आया? अभी और आइटम, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स एंड इन्वेस्टमेंट अमाउंटिंग टू रुपीज 8 लाख. अच्छा, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स अभी आपका और है एक, बोलो क्या होगा? एड बैक प्लस लॉस ऑन सेल कितना? 8 लाख. 8 लाख ना? हाँ ठीक है. कितना आएगा बताओ? 83 लाख. क्या आ गया? FMP बिफोर टैक्स माइनस क्या करेंगे? टैक्स एट द रेट ऑफ 34%. टैक्स एट द रेट ऑफ 34%. जल्दी बताओ, वो नहीं चाहिए मुझे, मुझे FMP आफ्टर टैक्स चाहिए. FMP आफ्टर टैक्स 54.78 लाख. ये मेरा FMP हो गया. बोलो बेटा क्लियर है कि नहीं? अच्छा आगे क्या बोल रहा है? 36 ये परसेंटेज वाला पॉइंट हो गया. नंबर ऑफ शेयर्स हो गए, नंबर ऑफ शेयर्स हो गए. नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे बोलो बेटा? नंबर ऑफ शेयर्स कहाँ थे? 2 लाख. वन सेकेंड. जयदेव हैज अर्न्ड अ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 48 लाख. इट वॉन्ट्स यू टू एसर्टेन द वैल्यू ऑफ इट्स बिजनेस बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. टैक्स रेट हो गया. कंपनी का जो इक्विटी शेयर है वो कितने का है? कंपनी का इक्विटी शेयर कितने का है? 120. अरे बोलो, 120. अच्छा, प्रॉफिट फॉर द ईयर 2013 हैव बीन कैलकुलेटेड आफ्टर कंसीडरिंग द फॉलोइंग इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये सारी बातें हो गई. अब मुझे बताओ वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस कैसे निकलेगा? मेरे पास FMP आ चुका है, मेरे पास FMP आ चुका है, और इसके अलावा मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स भी आ चुके हैं. नंबर ऑफ शेयर्स मेरे पास दिए हुए हैं. मैं कैसे निकालूं अपना वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस? वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस कैसे निकाला जाएगा? सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ. वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस कैसे निकाला जाएगा? एक तो कैपिटलाइजेशन रेट नहीं दिया हुआ मेरे पास. बोलो बेटा, एक मेरे पास कैपिटलाइजेशन रेट नहीं दिया हुआ. अगर मुझे कहीं से भी कैपिटलाइजेशन रेट मिल जाए, अगर मुझे कहीं से भी कैपिटलाइजेशन रेट मिल जाए तो मेरा निकल जाएगा. हाँ अच्छा, एक बात बताओ, क्या तुम जानते हो इसको क्या बोलते हैं? पी रेशो तो मैंने लिख दिया ना, तू क्या बता रहा है? पी रेशो क्या? प्रॉफिट अर्निंग रेशियो? हाँ, प्राइस अर्निंग रेशियो. फॉर्मूला क्या है इसका? हाँ, MPS अपॉन EPS. अब ध्यान से सोचो, क्या तुम्हारे पास MPS दिया हुआ है क्वेश्चन में? कितना? 120. क्या मैं EPS निकाल सकता हूं इस क्वेश्चन में? कैसे? EPS निकाल सकता हूं कि नहीं? ध्यान से देखो, 54.78 लाख की मेरी अर्निंग है. अगर मैंने इसको डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ शेयर से, नंबर ऑफ शेयर्स कितने? 2 लाख. 2 लाख करना तो 27.39 ये आ गया मेरा अर्निंग पर शेयर. बोलो बेटा, MPS अपॉन EPS, EPS कितना है? 27.39. बेटा कैपिटलाइजेशन रेट अगर आपको ना दिया हो ना, तो कैपिटलाइजेशन रेट का अपन फॉर्मूला लगा सकते हैं 1 अपॉन PE रेशियो.
वन अपॉन पी रेशियो. क्या बोला मैंने? वन अपॉन पी रेशियो. वन अपॉन पी रेशियो मतलब वन अपॉन, देखना क्या है, 4.38. कितना हो रहा है? 22.825% दिस इज माई कैपिटलाइजेशन रेट. ये मेरा कैपिटलाइजेशन रेट आ गया. अच्छा, ये कैपिटलाइजेशन रेट वन अपॉन पी रेशियो मैंने ऐसा क्यों बोला भाई? अगर मैं बोल रहा हूं वन अपॉन पी रेशियो, अगर मैं बोल रहा हूं वन अपॉन पी रेशियो, तो मतलब मैं बोल रहा हूं वन अपॉन एमपीएस अपॉन ईपीएस. तो इसका मतलब ईपीएस न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ईपीएस अपॉन एमपीएस. तो एक तरीके से रिटर्न अपॉन शेयर की वैल्यू इज इक्वल टू मेरा एनआरआर. भाई मुझे कितना रिटर्न मिल रहा है एक शेयर पर, डिवाइड बाय वैल्यू पर शेयर. आई बात समझ में कि नहीं? इसलिए मैंने उसको बोला वन अपॉन पीई रेशियो. गाइस क्लियर हुआ कि नहीं? कितना आया मेरा पी ये एनआरआर? 22.825. अब मैं इस 22.825 को क्या कर सकता हूं, मैं इस 22.825 को क्या कर सकता हूं, अर्निंग से डिवाइड कर सकता हूं. नहीं मतलब अर्निंग से डिवाइड नहीं, जो मेरी अर्निंग है वो डिवाइड बाय कैपिटलाइजेशन रेट देख सकते हैं. एफएमपी, एफएमपी अर्निंग आफ्टर टैक्स, ये वाला. हाँ हाँ, वो मैं बता रहा हूं कि मैंने कैसे निकाला. मैं आपको बोल रहा हूं कि भाई मैंने अभी ईपीएस कैसे निकाला, कि मैंने अर्निंग ले ली डिवाइडेड बाय क्या लिया मैंने अभी, नंबर ऑफ शेयर्स. ठीक है ना? अभी मैं उस पर आ रहा हूं, अभी मैंने कंप्लीट नहीं किया है. मतलब अभी मैंने आपको क्या बताया कि पैट वाला मैंने लेके ये ईपीएस निकालिया 27.39. मैं अभी आ रहा हूं, आपका एक डाउट है कि सर वो पैट वाला लेंगे कि ये वाला लेंगे. अभी रुक जाओ, वो चीज रुक जाओ. अभी मेरा सवाल किस पे है कि मैंने कैपिटलाइजेशन रेट कैसे निकाला. मैंने कैपिटलाइजेशन रेट कैसे निकाला, ये वाला ईपीएस अपॉन एमपीएस या वन अपॉन पी रेशियो. आई बात समझ में कि नहीं? अब वापस एक क्वेश्चन पे आओ कि जो ये आपको दे रहा है, द कंपनीज इक्विटी शेयर्स आर कोटेड एट 128 द बैलेंस शीट डेट. 128 द बैलेंस शीट डेट मतलब मेरी बैलेंस शीट डेट पर मेरा मार्केट प्राइस पर शेयर 120 है. तो मेरा बैलेंस शीट डेट पर मेरा प्रॉफिट कितना है? बैलेंस शीट डेट पर मेरा प्रॉफिट कौन सा होगा? बैलेंस शीट डेट पर मेरा प्रॉफिट कौन सा होगा? मेरे पास दो दो प्रॉफिट पड़े, एक तो 48 और एक ये वाला 54.78. नाउ द क्वेश्चन इज कि मैं 54.78 लूं या मैं 48 लूं. मैं 54.78 लूं कि 48 लूं? अगर मैं 54.78 लेता हूं तो मतलब वो तो वो फ्यूचर वाला देख रहा हूं, जबकि मुझे ईपीएस तो करंट ईयर का चाहिए बेस्ड ऑन माय करंट अर्निंग, करंट मार्केट वैल्यू पर शेयर. तो इसीलिए ये मैंने आपको सिर्फ एक तरीका बताया. आपको करना क्या है, आपको जब भी एनआरआर निकालना है तो आपको करंट अर्निंग लेनी है, और करंट अर्निंग अपनी कितनी है? 48. तो करंट अर्निंग के लिए अपन बोलेंगे भाई 48 अपनी करंट अर्निंग है, डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू अपना ईपीएस कितना आया 24, और इससे आप निकाल लो कितना हो रहा है. 24 हो गया अपना ईपीएस. पीई रेशियो कितना होगा? पीई रेशियो क्या होगा? एमपीएस अपॉन ईपीएस 120 अपॉन 24 5 बोलो बेटा. और कैपिटलाइजेशन रेट क्या होगा? 1/5. हाँ मतलब 20%, और इस 20% को मैं किससे लूंगा बोलो मुझे, क्या करूंगा? बिजनेस इज इक्वल टू 54.78 डिवाइड बाय 20%. कितना आया? 273.9190 लैक्स.
273.90 lakhs. क्लियर? साइड में अपनी कॉपी में फॉर्मूला लिख लीजिए कि इफ द कैपिटल, आप एक नोट लिख लीजिए, इफ द कैपिटलाइजेशन रेट इज नॉट नोन, लिखो इफ द कैपिटलाइजेशन रेट इज नॉट नोन, इफ द कैपिटलाइजेशन रेट इज नॉट नोन देन इट विल बी 1/PE ratio. इट विल बी 1/PE ratio. 1/PE ratio. इट विल बी 1/PE ratio. फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग पीई रेशियो, लिखो फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग पीई रेशियो, फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग पीई रेशियो, फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग पीई रेशियो वी हैव टू कैलकुलेट अर्निंग पर शेयर ऑफ द करंट ईयर. We have to calculate the earning per share of current year. Of current year. Based on current earnings only. 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 Clear, beta? Based on current earnings only. Not FMP. Bracket mein likh dena, not FMP. Chaliye. Question number 15. Question number 15. Question number 15. P Limited is in the business of making sports equipments. The company operates from Thailand. To globalize its operation, Timbi has identified Fine Twice Limited, an Indian company, as a potential takeover candidate. Timbi jo hai, wo Fine Twice ko kharidna chahte hai. After due diligence of Fine Twice Limited, the following information is available. Cash flow forecast. कितने साल के? 10 साल के. Fine Twice Limited का कैश फ्लो फोरकास्ट रुपीज इन क्रोर्स और टिम्बी लिमिटेड का कैश फ्लो फोरकास्ट रुपीज इन क्रोर्स. द नेटवर्थ ऑफ Fine Twice Limited रुपीज इन लैक्स आफ्टर कंसीडरिंग सर्टेन एडजस्टमेंट्स सजेस्टेड बाय द ड्यू डिलिजेंस टीम रीड एज अंडर. Fine Twice की नेटवर्थ क्या है? टेंजिबल असेट्स है, इंटेंजिबल्स है, रिसीवेबल्स है. टोटल हो गया 970 लेस ट्रेड पेबल्स और बैंक लोन. इसकी नेटवर्थ हो गई 555 crores. टॉक्स फॉर द टेक ओवर है क्रिस्टलाइज्ड ऑन द फॉलोइंग. टिम्बी विल नॉट बी एबल टू यूज मशीनरी वर्थ ₹75 lakhs विच विल बी डिस्पोज ऑफ देम सब्सिक्वेंट टू द टेक ओवर. द एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन विल बी 50 lakhs. एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन विल बी 50 lakhs. तो इसका मतलब ये हुआ, कि अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मान लो मैं Fine Twice Limited को परचेज करता हूं, तो क्या मैं उसकी मशीन यूज करूंगा क्या? नहीं, मैं उसकी मशीन बेच दूंगा. कितने की मशीन है? 75. तो आप मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर कौन सा ये? 15. क्वेश्चन नंबर 15. मैं उसकी मशीन को बेच दूंगा तो मुझे बताइए करंट कैश फ्लोस कौन से होने वाले हैं. पहला, रियलाइजेशन ऑफ मशीन कितना? 50. दूसरा, द इन्वेंट्रीज एंड रिसीवेबल्स आर अग्रीड फॉर द टेक ओवर एट वैल्यूज ऑफ ₹100 एंड ₹50 lakhs रिस्पेक्टिवली विच इज द प्राइस दे विल रियलाइज ऑन डिस्पोजल. इनको भी बेच दिया जाएगा, इसको भी बेच दिया जाएगा. इसका मतलब इन्वेंट्री को बेचेंगे और उसके बाद किसको बेचेंगे? रिसीवेबल्स को भी अपन डिस्पोज ऑफ मतलब रियलाइज कर लेंगे. तो हमें कितना मिलेगा? रियलाइजेशन फ्रॉम
रिसीवेबल्स एंड इन्वेंट्री, कितना टोटल ना, टोटल 150. ओके, द लाइबिलिटीज ऑफ फाइन टॉयज लिमिटेड विल बी डिस्चार्ज इन फुल, विल बी डिस्चार्ज इन फुल, मतलब अब पेमेंट करना पड़ेगा. देखो क्या हो रहा है, हम ना करंट में हम ये देख रहे हैं कि अगर हमने फाइन टॉयज लिमिटेड को परचेज कर लिया तो क्या क्या हमें उससे इमीडिएटली कैश फ्लो अराइज हो जाएगा उसकी एसेट से, और क्या क्या हमें उसकी लाइबिलिटीज का इमीडिएट कैश फ्लो देना पड़ेगा. हम कैश फ्लो अप्रोच खेल रहे हैं, यहां पर अर्निंग अप्रोच नहीं हो रही है, यहां पर सिर्फ कैश फ्लो पर फोकस किया जा रहा है. आई मेरी बात समझ में कि नहीं? तो लाइबिलिटीज ऑफ फाइन टॉयज लिमिटेड विल बी डिस्चार्ज इन फुल ऑन टेक ओवर अलॉन्ग विद एन एम्प्लॉयड सेटलमेंट ऑफ 90 लैक्स फॉर द एम्प्लॉयज हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन कंटिन्यूइंग अंडर द न्यू मैनेजमेंट. तो भाई कुछ लोग जो खुश नहीं होंगे उनको वापस, उनको निकालना पड़ेगा कंपनी से और उनको पेमेंट करना पड़ेगा. तो माइनस सेटलमेंट ऑफ एम्प्लॉयज ड्यूज कितना, 90. सेटलमेंट ऑफ एम्प्लॉयज ड्यूज कितना हो जाएगा, 90. आगे टिम्बी लिमिटेड विल इन्वेस्ट अ सम ऑफ रुपीज 150 लैक्स फॉर अपग्रेडिंग द प्लांट ऑफ फाइन टॉयज लिमिटेड. टिम्बी क्या करेगा, 150 लैख इन्वेस्ट करेगा फॉर अपग्रेडिंग द प्लांट ऑफ फाइन टॉयज लिमिटेड ऑन टेक ओवर. अ फर्दर सम ऑफ रुपीज 50 लैक्स विल ऑल्सो बी इनकर्ड इन द सेकेंड ईयर टू रिवैम्प द मशीन शॉप फ्लोर ऑफ फाइन टॉयज. अभी रुक जाओ, अभी इमीडिएटली वो कितना इन्वेस्ट करेगा, तो माइनस इन्वेस्टमेंट इन मशीन कितना, 150. इन्वेस्टमेंट इन मशीन 150. ठीक है बेटा, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं. आगे 50 लाख वो किसको देगा, सेकेंड ईयर में. अब अगर 50 लाख वो सेकेंड ईयर में देगा तो हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें तो आज की वैल्यू निकल आएगी, है ना. तो प्रेजेंट वैल्यू के लिए कुछ दिया हुआ है क्या, परसेंटेज देखना, बोलो बेटा कहां है, सबसे लास्ट में 20%. तो 20% के हिसाब से बता दीजिए, इन्वेस्टमेंट इन मशीन एक और आ जाएगा 41.67. क्लियर. अच्छा वापस आते हैं उस पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 3. वो बोल रहा था लाइबिलिटीज ऑफ द फाइन टॉयज लिमिटेड विल बी डिस्चार्ज इन फुल ऑन टेक ओवर अलॉन्ग विद द एम्प्लॉय सेटलमेंट. अलॉन्ग विद द एम्प्लॉय सेटलमेंट, मतलब एम्प्लॉय सेटलमेंट तो मैंने 90 कर दिया, इसके अलावा मुझे लाइबिलिटीज भी डिस्चार्ज इन फुल करनी पड़ेगी. चेक करो लाइबिलिटीज कौन कौन सी है, चेक करो लाइबिलिटीज कौन कौन सी है. माइनस सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, ट्रेड पेबल कितना, 165. और दूसरा ट्रेड पेबल बैंक लोन कितना, 250. देखना करंट में हमारा कितना कैश आउटफ्लो या कैश इनफ्लो होगा, करंट में हमारा कितना कैश आउटफ्लो और कैश इनफ्लो होगा. कैश आउटफ्लो या कैश इनफ्लो 496.67. ये आउटफ्लो होगा रुपीज इन लैक्स है कि करोड़ है, लैक्स, रुपीज इन लैक्स है ना. ठीक है आगे बढ़ते हैं. द एंटिसिपेटेड कैश फ्लोस रुपीज इन करोड़ पोस्ट टेक ओवर. पोस्ट टेक ओवर मतलब मर्ज्ड कंपनी का कैश फ्लोस. पोस्ट टेक ओवर आर एज फॉलोस. पोस्ट टेक ओवर कैश फ्लोस हमारे दिए हैं ये सब, पोस्ट टेक ओवर आफ्टर मर्जर. तो मुझे बताओ ये तो हमारे थे करंट कैश फ्लोस, ये तो थे हमारे करंट कैश फ्लोस. अगर मैंने टेक ओवर कर लिया, अगर मैंने टेक ओवर कर लिया तो मुझे कैश फ्लोस मर्ज्ड कंपनी के कितने होंगे, मर्ज्ड कंपनी के कितने होंगे, पहले साल कितना है,
18 crores है, तो उसको लैक्स में कन्वर्ट करना बेटा, क्योंकि हमने यहां पर लैक्स कर दिया है, 1800, 18 crores कितना होगा जल्दी बोलो, 1800 लैक्स। ये मर्ज्ड कंपनी का है। और ऊपर जाओ, अगर टिम्बी फाइन टॉय को अक्वायर नहीं करता तो उसका फर्स्ट ईयर का, उसका फर्स्ट ईयर का कैश फ्लो कितना होता, उल्टा दिया हुआ है 10, 9, 8, 6, 7 है ना, तो पहले साल का 16 होता, 16 crores, तो 16 crores का कितना हुआ, 1600। तो कैश फ्लोस आपके टिम्बी के सेपरेट 1600, तो इसका मतलब आपका इंक्रीमेंटल कैश फ्लोस कितना हुआ, इंक्रीमेंटल कैश फ्लोस कितना हुआ, 200। ऐसे ही आपको हर साल के इंक्रीमेंटल कैश फ्लोस निकालने हैं। कितने साल के निकलेंगे, 10 साल के। और ये पूरे जो 10 साल के इंक्रीमेंटल कैश फ्लोस निकलेंगे, इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे आप 20% पर। और बेटा ये पॉजिटिव आएगा फिगर, मतलब इनफ्लो होगा ये, बोलो। और ये जो चीज होगी ये आपका आउटफ्लो है, ये आपका आउटफ्लो है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा नेट कैश इनफ्लोस, नेट कैश इनफ्लोस मतलब ये वाला और ये वाला। ये जो नेट कैश इनफ्लोस निकलेगा ये अपन बोलेंगे दिस विल बी द मैक्सिमम वैल्यू जो हमें रियलाइज हो पा रही है अगर हमने फाइन टॉयज को अक्वायर कर लिया तो। तो इसका मतलब फाइन टॉयज लिमिटेड की जो वैल्यू ऑफ बिजनेस है वो यही होगी। आई बात समझ में कि नहीं, एक बार सॉल्यूशन देख लीजिए। अब मैं सॉल्यूशन पूरा इसलिए नहीं करवा रहा हूं क्योंकि वो 1 से 10 साल तक अपन पूरा निकालें, प्रेजेंट वैल्यू करें, बात तो वही है। तो एक बार आप सॉल्यूशन एक बार चेक कर लीजिए। इंक्रीमेंटल कैश फ्लोस 10 साल के वो कर रहा होगा और 10 साल के इंक्रीमेंटल कैश फ्लोस का उसने प्रेजेंट वैल्यू निकाला होगा और जो हमने करंट में हमने निकाला आउटफ्लो उससे वो माइनस करके नेट कैश इनफ्लो आ जाएगा। वो नेट कैश इनफ्लो विल बी ट्रीटेड एज द वैल्यू ऑफ बिजनेस ऑफ फाइन टॉयज, मतलब वो फाइन टॉयज के बिजनेस को मैक्सिमम कितने में खरीद सकता है वो वैल्यू आ जाएगी। आई मेरी बात समझ में कि नहीं। कौन सा वाला, अच्छा जो अभी मशीन में वो इन्वेस्ट कर रहा था सेकंड टाइम 50 लाख, उसका प्रेजेंट वैल्यू कितना है, ये 41 नहीं है, अच्छा 30 कितना है, पॉइंट 72, ठीक है। तो मतलब ये भी तो चेंज हो गया, फिर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 489.72 आउटफ्लो, ठीक है बेटा। बोलो गाइस क्लियर, गाइस क्लियर है कि नहीं। ये जो वैल्यू आएगी जो मैं आपको बोल रहा हूं नेट कैश इनफ्लो, दिस इज द मैक्सिमम प्राइस, दिस वुड बी ट्रीटेड एज द मैक्सिमम प्राइस टू पे टू फाइन टॉयज फॉर अक्वायरिंग बिजनेस। बिजनेस अक्वायर करने के लिए हम मैक्सिमम इतना पे करेंगे उसको, तो दिस विल बी ट्रीटेड एज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बिजनेस ऑफ फाइन टॉयज लिमिटेड। आई बात समझ में कि नहीं, बोलो बेटा क्लियर हुआ कि नहीं, ठीक है। वो यही पूछ रहा है, एडवाइज द मैनेजमेंट द मैक्सिमम प्राइस दे कैन पे पर शेयर ऑफ फाइन टॉयज लिमिटेड, ठीक है गाइस क्लियर है कि नहीं, मैक्सिमम प्राइस कितना वो पे करेंगे, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर।
इस टाइप के क्वेश्चन दो तीन बार एग्जाम में आ चुके हैं, ये जो कैश फ्लोज वाले हैं ये दो तीन बार एग्जाम में आ चुके हैं, तो इसको एक बार जरूर देख के जाइएगा। अभी जो रिसेंटली एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था वो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 14। ये रिसेंट एग्जाम में एक क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें 3 साल का डेटा दिया होता है, 3 साल का डेटा दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 14 बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, 3 साल का डेटा दिया हुआ है, आप पढ़ना शुरू करें, मैं आपको बीच बीच में देखना हिंट करते जाऊंगा, आप अपनी कॉपी उठा लो, कैलकुलेटर तैयार रखो, पेन तैयार रखो, मैं आपको बीच बीच में हिंट करते जाऊंगा, आप अपनी वर्किंग करते जाना उस हिसाब से, मैं आपको हिंट करते हुए जाऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि सॉल्यूशन कैसे होगा, मैं आपको कुछ कुछ हिंट करता जाऊंगा, अपनी कॉपी और पेन उठाओ। द समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ आर लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2015, 2016, 2017 आर एज फॉलोज। रीड करते जाओ, आप तो आप एक एक पॉइंट रीड करते जाओ। मुझे ना एक गुडविल दिख रही है, जब मैं उस गुडविल को देख रहा हूं तो 2015 में वो 2000 की थी, फिर 16 में वो 1600 की हो गई, फिर वो 17 में 1200 की हो गई, मतलब वो गुडविल को शायद राइट ऑफ कर रहा है। गुडविल का राइट ऑफ हम कहां लिखते हैं, गुडविल का राइट ऑफ कहां लिखते हैं, एफएमपी की कैलकुलेशन करते वक्त एडबैक करते हैं अपन राइट ऑफ गुडविल का, करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ, साइड में लिख लो उसके, टू बी एडबैक, राइट ऑफ, रिटर्न ऑफ टू बी एडबैक, रिटर्न ऑफ टू बी एडबैक। एक तो मुझे ये दिख गया, अच्छा आप तो पढ़ते जाओ, क्वेश्चन पढ़ते जाओ। अब ना इसमें कुछ वैल्यूएशन दिए हुए हैं, बिल्डिंग मशीनरी लेस डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग और मशीनरी का कुछ नया वैल्यू दिया हुआ है। ये जो नया वैल्यू बिल्डिंग और मशीनरी का दिया हुआ है, ये मुझे एफएमपी तो में तो काम नहीं आने वाला, क्योंकि ये फिक्स्ड असेट्स का रिवैल्यूएशन है। बट जो इसके जस्ट नीचे दिया हुआ है इन्वेंट्री, इन्वेंट्री ध्यान से देखो, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री 2400 रुपए का दिया हुआ है, जबकि बैलेंस शीट में कितने का था, 2000, बैलेंस शीट में कितने का था, 2000, तो इन्वेंट्री 400 रुपए से बढ़ रहा है, ये मेरे एफएमपी को अफेक्ट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, दिस विल अफेक्ट माय एफएमपी, क्यों, रीवैल्यूएशन ऑफ करंट असेट एंड करंट लायबिलिटी विल अफेक्ट योर एफएमपी, इन शॉर्ट मैंने आपको बताया था वर्किंग कैपिटल विल अफेक्ट योर एफएमपी, वर्किंग कैपिटल मतलब करंट असेट एंड करंट लायबिलिटी तुम्हारे एफएमपी को अफेक्ट करता है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं, मैंने बोला ना आप तो पढ़ते जाओ। अब जो ये पॉइंट आ रहा है इंपॉर्टेंट, नेट प्रॉफिट वाला, इस पॉइंट को ध्यान से पढ़ो और देखो ब्रैकेट में क्या लिखा है। नेट प्रॉफिट 3 साल का दिया हुआ है, इंक्लूडिंग ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस, इस नेट प्रॉफिट में ओपनिंग बैलेंस इंक्लूड है, हटाना पड़ेगा, ओपनिंग बैलेंस इंक्लूड है, क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा कि नहीं हटाना पड़ेगा। अरे भाई हम जब एफएमपी निकालते तो ओपनिंग बैलेंस क्या है, वो तो ड्यूरिंग द ईयर का प्रॉफिट लेते हैं। अच्छा एक और चीज इंक्लूड है, क्या इंक्लूड है, इंक्लूडिंग ओपनिंग बैलेंस आफ्टर राइटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, हाँ डेप्रिसिएशन तो ठीक है चलेगा, गुडविल आफ्टर राइटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन आफ्टर राइटिंग ऑफ गुडविल, हमने ऊपर ही चेक कर लिया था कि गुडविल राइट ऑफ हो रही है, उसको भी एडबैक करना पड़ेगा। और क्या दिया हुआ है, टैक्स प्रोविजन, ये भी ठीक है,
एंड ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व. अच्छा, ये जो नेट प्रॉफिट है ना, ये नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर नहीं लग रहा, ये कुछ गड़बड़ नेट प्रॉफिट है. ये नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व है, मतलब कुछ हिस्सा जनरल रिजर्व में भी जा चुका है जो कि ड्यूरिंग द ईयर अर्न किया गया होगा. वापस आना ऊपर जनरल रिजर्व में, ऊपर जनरल रिजर्व में वापस आना. देखना तो जनरल रिजर्व 2015 में कितना था, 24, और 2016 में कितना हो गया, 28. मतलब जनरल रिजर्व में कितना डाला होगा, 400. फिर 28 से कितना, 32 हो गया. फिर से उन्होंने कितना डाला, 400. तो 400 उन्होंने नेट प्रॉफिट से निकाल के डाले हैं जो हमें इस बार एड बैक करने पड़ेंगे. बोलो बेटा क्लियर है कि नहीं. आगे, कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस एट मार्केट वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ 14-15 के बिगिनिंग की कैपिटल एम्प्लॉयड दे रहा है आपको. देखना ये ईयर में, ईयर कहां, मतलब इस क्वेश्चन में ईयर कहां से स्टार्ट हो रहा है, 15 एंडिंग से शुरू हो रहा है, और वो आपको 14-15 के बिगिनिंग की, मतलब इसी साल के बिगिनिंग की आपको कैपिटल एम्प्लॉयड आपको पहले से ही दे रख रहा है. ठीक है ना, कैपिटल एम्प्लॉयड उसने आपको बिगनिंग की दे दी, 73,20,000 विच इंक्लूडेड द कॉस्ट ऑफ गुडविल. अच्छा, उसमें भी गुडविल शामिल है. विच इंक्लूडेड द कॉस्ट ऑफ गुडविल, द नॉर्मल एनुअल रिटर्न ऑन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द लाइन ऑफ बिजनेस इंगेज बाय आर लिमिटेड इज 12.5%. एनआरआर दिया हुआ है 12.5%. अब ये ओपनिंग बैलेंस जनरल रिजर्व का क्यों दिया हुआ है, कोई मुझे बताएगा? वही सर, वो डिफरेंस निकालने के लिए. जनरल रिजर्व का जो क्लोजिंग बैलेंस है 2015 का, वो 2400 है, और ये ओपनिंग बैलेंस है वो 2000 है. तो 2000 और 2400, मतलब उस साल में भी 400 का डेप्थ ट्रांसफर हुआ होगा. आगे, द गुडविल शोन ऑन 31 मार्च 2015 वॉज परचेज ऑन 1/4/2014 फॉर रुपीज 20 लैक्स. 20 लैक्स मतलब 2000, ऊपर के फिगर्स के हिसाब से 2000, ऊपर आई थिंक शायद रुपीज इन थाउजेंड है ना, 2000. On which date the balance in profit and loss account was 240. अच्छा, opening balance of P&L भी दिया हुआ है 240. ठीक है, find out the average capital employed in each year. आपको हर साल की average capital employed निकालनी है. आपको हर साल का क्या निकालना है, average capital employed. ये जो 20 lakh का goodwill है, ये बोल रहा है हमने ये 20 lakh का goodwill purchase किया था 1/4/14 में. balance sheet में तो जाना, आपका कितने का goodwill दिख रहा है, बैलेंस शीट में जाना, कितने का गुडविल दिख रहा है. बैलेंस शीट में 2015 में यही दिख रहा है 2000. इसका मतलब गुडविल को फर्स्ट ईयर में राइट ऑफ नहीं किया गया है, गुडविल को सिर्फ नेक्स्ट 2 ईयर्स में राइट ऑफ किया गया है. मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं, गुडविल को नेक्स्ट 2 ईयर्स में राइट ऑफ किया गया है, फर्स्ट ईयर में राइट ऑफ नहीं किया गया. आगे वो पूछ रहा है, फाइंड आउट द कैपिटल एम्प्लॉयड इन ईच ईयर, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 5 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट सिंपल एवरेज मेथड एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बिजनेस. फिर आपको बिजनेस की वैल्यू निकालनी है, मतलब सबसे पहले मुझे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, फिर मुझे गुडविल निकालना है, फिर मुझे बिजनेस का वैल्यू निकालना है. ठीक है, अगर मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, अगर मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है बिजनेस का, तो मुझे बताओ कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड, ये कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए कितने साल दिए हुए, कितने साल दिए हुए, 3 ईयर्स. कौन कौन सा, एंडिंग 15, हाँ, एंडिंग 16 एंड एंडिंग 17. एक तो ये, दूसरा, दूसरा एफ एम पी, ये भी 15, 16 और 17. जो उन्होंने आपको नेट प्रॉफिट दिए हुए हैं वो बताना कितने कितने हैं, जो उन्होंने आपको नेट प्रॉफिट दिए हुए वो कितने कितने हैं, हाँ, 8, 40, हाँ, और बोलो जल्दी बोलो, 12, 40 और 16, 40. बताओ प्रॉफिट में सबसे पहले क्या शामिल है जो मुझे हटाना है, ओपनिंग बैलेंस. चेक करना प्रॉफिट एंड लॉस के ओपनिंग बैलेंस कौन कौन से हैं.
मुझे जो ओपनिंग बैलेंस हटाने हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस के ओपनिंग बैलेंस कौन कौन से? एक तो आपका ओपनिंग बैलेंस पॉइंट नंबर डी में छुपा हुआ है। पॉइंट नंबर डी में ओपनिंग बैलेंस कितना है? टू लैख 40,000। ऊपर जो आपने मुझे फिगर्स बताए वो थाउजेंड्स में है, लैक्स में है, मुझे वो थोड़ा सा बता दो। हाँ, थाउजेंड्स में है, तो यहां पर ओपनिंग बैलेंस 240 मैं हटा दूंगा। फिर ऊपर मुझे बैलेंस शीट से भी मुझे पीएनएल के बैलेंसेस मिल जाएंगे, ये रहे पीएनएल के बैलेंसेस, तो इसमें मेरा 280 का जुड़ा हुआ होगा और यहां मेरा 320 का जुड़ा हुआ होगा। क्लियर बेटा? क्लियर है सबको? अच्छा, नेट प्रॉफिट में और क्या क्या शामिल है? नेट प्रॉफिट में और क्या क्या शामिल है? गुडविल राइट ऑफ एड बैक करेंगे, गुडविल राइट ऑफ। फर्स्ट ईयर में तो कोई राइट ऑफ नहीं हुआ, सेकंड ईयर में कितना राइट ऑफ हुआ है? 400। और थर्ड ईयर में कितना राइट ऑफ हुआ है? 400। अच्छा, और क्या दिया हुआ है? ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ओपनिंग बैलेंस जनरल रिजर्व का कितना था? 2000। ओपनिंग बैलेंस सबसे पहला ओपनिंग बैलेंस 2014 बिगनिंग कितना था? 2000। और 2015 एंडिंग में कितना हो गया? 2400। इसका मतलब कितना ट्रांसफर किया होगा? 400। तो प्लस वापस से एड बैक कर देंगे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 400, अगले साल 400, अगले साल 400। ये हो गया आपका जनरल रिजर्व। और क्या? इन्वेंट्री चेक करो, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन बताओ। 2015 की क्लोजिंग इन्वेंट्री को कंपेयर करो रिवैल्यूड फिगर से। हाँ, इंक्रीज हो रहा है, तो प्लस लिखूंगा चेंज इन क्लोजिंग इन्वेंट्री। चेंज इन क्लोजिंग इन्वेंट्री कितने से? एक बात बताओ, अगर मेरी इस साल की क्लोजिंग इन्वेंट्री 400 से बढ़ रही है तो मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है, और यही क्लोजिंग इन्वेंट्री अगले साल क्या मानी जाएगी? ओपनिंग इन्वेंट्री। तो मेरा अगले साल इसी 400 से प्रॉफिट रिड्यूस भी होगा। ये चीज है, अगर इस साल क्लोजिंग इन्वेंट्री मेरी प्रॉफिट बढ़ा रही है तो यही क्लोजिंग इन्वेंट्री अगले साल ओपनिंग इन्वेंट्री बढ़ जाएगी, तो मेरा प्रॉफिट कम भी करेगी। फिर नेक्स्ट ईयर का चेक करो कितना हो रहा है, 400। तो ये 400 आपका नेक्स्ट ईयर आपका प्रॉफिट बढ़ा रही है, और यही आपका अगले साल का प्रॉफिट कम करेगी। फिर थर्ड ईयर में देखो 400 आपका ये प्रॉफिट बढ़ा रही है। बोलो बेटा, क्लियर है कि नहीं? कौन कौन से पॉइंट्स बच गए अब? प्रॉफिट एंड लॉस और जनरल रिजर्व हो गया, गुडविल राइट ऑफ हो गया, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, ये सब हो गया। अच्छा, उसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड, ये भी ठीक है, हो गया। गुडविल का भी पॉइंट कर लिया, ओपनिंग बैलेंस कर लिया। बेटा यहां तक कर लिया कि नहीं? चलो, इनके मुझे फिगर्स के टोटल बताओ कितने कितने आ रहे हैं। कितने कितने आ रहे हैं? एडजस्टेड प्रॉफिट, हाँ, कितना? 1400। थर्टीन, 60, 2120। यही है, कर नहीं रहे और बोल रहे यही है। कौन सा? सेकंड वाला 1760। पक्का यही है? अब रुक जाओ, अब आते हैं वापस से क्लब कैपिटल एम्प्लॉयड पर। कैपिटल एम्प्लॉयड में सबसे पहले बिल्डिंग एंड मशीनरी, बताओ न्यू फिगर क्या है? हाँ, और नेक्स्ट
4000. नेक्स्ट 4400. अच्छा उसके बाद इन्वेंट्री 2400, 2800, 3200. अच्छा ये हो गए असेट्स आपके, सॉरी इसके अलावा बिल्डिंग हो गया, इन्वेंट्री हो गया, ट्रेड रिसीवेबल्स जल्दी बोलो, 40, 320, 880. यार ये इतना छोटा 40 फिगर है पक्का? ठीक है 40. अच्छा ट्रेड रिसीवेबल उसके बाद क्या है, बैंक बैलेंस कितना, 240, 400, 800. अब मुझे एक बात बताओ, मैं इधर गुडविल लूंगा कि नहीं लूंगा, मैं गुडविल लूंगा कि नहीं लूंगा, जो गुडविल मेरी बैलेंस शीट में शो हो रही है लूंगा कि नहीं लूंगा, लूंगा क्यों, परचेज्ड गुडविल है इसलिए लेंगे. हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था कि अगर परचेज्ड गुडविल होती है तो उसको कंसीडर करना पड़ता है, अगर सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है तो हम उसको कंसीडर नहीं करते. अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोलता तो हम उसको सेल्फ जनरेटेड मानते, बट इसने क्वेश्चन में बोला हुआ है कि 1/4/2014 में उसने गुडविल को परचेज किया है, उसने बिजनेस टेक ओवर किया है और गुडविल मिली है उसको. बोलो बेटा तो बताओ गुडविल कितनी है, 2000, 1600 और 1200 गुडविल. गाइस क्लियर है कि नहीं, हाँ क्लियर. अच्छा नेक्स्ट लाइब्रेरीज बोलो, लाइब्रेरीज ट्रेड पेबल आएगा मेरे हिसाब से शायद एक तो, और वही है आई थिंक ट्रेड पेबल्स, टेल मी कितना, हाँ 1200, 1600, 2000. आई थिंक वही है और कुछ तो नहीं है, जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस, इक्विटी शेयर कैपिटल, ट्रेड पेबल्स, हां बस और कुछ भी नहीं है. निकालिए जल्दी कितना आ रहा है, 7080. हाँ उसके बाद 7000, 7520, 8480. हाँ बेटा सही है, लगे रहो तू, है ना, ऐसे ही देख देख के बता. क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ठीक है. अच्छा अब मुझे बताओ ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कितना होगा, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड 2014 का दिया हुआ है कितना, 73. सर उसमें लिखा हुआ है ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड इंक्लूडिंग गुडविल, हाँ गुडविल तो इंक्लूड करना भी है ठीक है ना. अच्छा ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड 7080, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड 7520, ये कहां से आया फिगर, अरे वो लास्ट ईयर की क्लोजिंग. अब बताओ हर साल की एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आएगी, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हर साल की कितना, 7200, 7300, हाँ 8000. बोलो बेटा. अच्छा एनआरआर कितना था, कहीं लिखा है क्या एनआरआर, पॉइंट नंबर बी, एनआरआर कितना था, तो नॉर्मल एक सेकेंड यहां नहीं लिखते, नॉर्मल प्रॉफिट मेरे को काम आएगा यहां पर, नॉर्मल प्रॉफिट करना तो 7200 का 12.5, 7200 का 12.5 900, तो नॉर्मल प्रॉफिट मेरे को 900 यहां काम आ गया, 7200 का किया. अब करो 7300 का 12.5, हाँ 912.5. अब करो 8000 का 12.5, हाँ 1000. तो ये तीन तीन सुपर प्रॉफिट आ गए. करो कितना आ रहा है, 500, 847.5,
1120. अब इन तीनों सुपर प्रॉफिट का कौन सा एवरेज करना है, बोला है कुछ? चेक करो सुपर प्रॉफिट का क्या करना है मुझे, सिंपल एवरेज करो, सिंपल एवरेज, सिंपल एवरेज सुपर प्रॉफिट 822.5, ठीक है. अच्छा गुडविल क्या होगा, गुडविल, गुडविल क्या होगा, 822.5 × 5, 411, 2.5, ये हो गई आपकी न्यू वैल्यू ऑफ गुडविल, न्यू गुडविल वैल्यू, न्यू गुडविल वैल्यू हो गई. आई मेरी बात समझ में कि नहीं? अरे बोलो यार. अब आपके बिजनेस का वैल्यूएशन कैसे होगा, बिजनेस का वैल्यूएशन कैसे होगा, चेक करो तुम्हारे 31 मार्च 2017 का क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, 31 मार्च 2017 का क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड 8480, और इसमें तुम्हारी परचेज्ड गुडविल शामिल है कि नहीं है? हाँ, कितनी, मैं उसको हटा रहा हूं क्योंकि ये जो 1200 है ये सिर्फ परचेज्ड गुडविल है, और ये जो गुडविल आई है ये 4112, अब ये इंटायर गुडविल हो गई, तो मैं इस इंटायर गुडविल को क्लोजिंग कैपिटल में जोड़ दूंगा और परचेज वाली को हटा दूंगा, नहीं तो डबल इफेक्ट हो जाएगा ना बेटा. एक तो परचेज गुडविल शामिल है, अब मुझे मेरे पूरे बिजनेस मर्ज्ड बिजनेस की वैल्यू ऑफ गुडविल मिल चुकी है, तो मैं वो वाली हटा दूंगा बिजनेस की वैल्यू निकालने के लिए. तो मैंने ये हटा दी और उसको वापस से जोड़ दिया, गुडविल न्यू कितना 411 2.5 11 392.5, ये आ गई आपकी बिजनेस की वैल्यू, ये आ गई तुम्हारे बिजनेस की वैल्यू. सर इसका मतलब आप क्या बोलना चाह रहे हो? मैं ये बोलना चाह रहा हूं, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ये जो तुम्हारा वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस है ना, इसमें एक चौथा तरीका भी निकल गया, नेट असेट मेथड, नेट असेट मेथड. मतलब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को आप नेट असेट मेथड भी कर सकते हो, नेट असेट मेथड भी कर सकते हो, नेट असेट मेथड. आई बात समझ में कि नहीं? ये चार तरीके तुम्हारे वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस के हो सकते हैं. ठीक है बेटा, तू बता ना, एफएमपी में, एफएमपी एक प्रॉफिट होता है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल है तो उन्होंने राइट ऑफ किया तो उसको तो एडबैक कर दूंगा, सिंपल. ब्रांड वैल्यूएशन, अच्छा एक सेकेंड एक बात बताओ, छोड़ो दो मिनट के लिए ब्रांड वैल्यूएशन भूल जाओ, सुनो मेरी बात सुनो. सबसे पहले हमने गुडविल का वैल्यूएशन पढ़ा, उसके कौन कौन से मेथड्स थे, थोड़ा तेज बोलो मुझे बताओ, गुडविल के वैल्यूएशन कौन कौन से मेथड्स थे? हाँ, सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड. गुडविल का मुझे कैपिटलाइजेशन मेथड का फॉर्मूला बोलो, गुडविल का सुपर प्रॉफिट के मेथड का फॉर्मूला, सॉरी कैपिटलाइजेशन मेथड का फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर, यही था. अच्छा फिर हमने वैल्यूएशन ऑफ शेयर पढ़ा, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में हमने जब पढ़ा था ईसीएम मेथड, अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड, तो फॉर्मूला क्या था, ईपीएस अपॉन एनआरआर या फिर अर्निंग रेट अपॉन एनआरआर इनटू पेड अप, बात देखिए, बोलो बेटा. अच्छा अभी अपन ने वैल्यू ऑफ बिजनेस पढ़ा,
इसका फॉर्मूला क्या था? ई ए ई एस एच डिवाइडेड बाय एनआरआर। हाँ बोलो बेटा। अब आपको इसमें तीनों में सिमिलरिटी क्या दिख रही है? इन तीनों में आपको क्या सिमिलरिटी दिख रही है? कैपिटलाइजेशन। हर चीज का कैपिटलाइजेशन किया जा रहा है। गुडविल चाहिए कैपिटलाइज कर लो, शेयर की वैल्यू चाहिए ईपीएस को कैपिटलाइज कर लो, बिजनेस की वैल्यू चाहिए उसको प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर लो। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब आपको समझना है कि ब्रांड वैल्यूएशन क्या होगा। तो अगर मैं आपको बोलूं, हिंट दे दूं कि इनमें से एक ऐसा ही कुछ होने वाला है, तो बताओ क्या होगा वैल्यूएशन ऑफ ब्रांड? फॉर्मूला बना के सोचो क्या बन सकता है फॉर्मूला वैल्यूएशन ऑफ ब्रांड का, कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला क्या बनेगा? मैं जब बिजनेस का वैल्यू कर रहा था तो मैं पूरा का पूरा प्रॉफिट ले रहा था, जब मैं ब्रांड का वैल्यू करूंगा तो मैं बोलूंगा प्रॉफिट ड्यू टू ब्रांड। मुझे ब्रांड के कारण कितना प्रॉफिट होगा फ्यूचर में या हो रहा है, डिवाइडेड बाय एनआरआर ऑफ ब्रांड। ब्रांड से रिलेटेड मेरा एनआरआर कितना है, दिस इज माय वैल्यूएशन ऑफ ब्रांड। सिंपल गाइस, अंडरस्टूड और नॉट? वैल्यूएशन ऑफ ब्रांड इज आल्सो कैपिटलाइजेशन टेक्निक। आपको बस ये दो चीजें चाहिए, प्रॉफिट ड्यू टू ब्रांड डिवाइडेड बाय एनआरआर ऑफ ब्रांड। ब्रांड से जुड़ा हुआ कितना एनआरआर है? गाइज इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर और नॉट टेल मी। अच्छा एक एनआरआर का मतलब क्या होता है? एनआरआर मीन्स रेट ऑफ रिटर्न फॉर शेयर होल्डर, दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी फॉर कंपनी। जो रिटर्न शेयर होल्डर के लिए है वही कॉस्ट कंपनी के लिए। तो अगर आपको कभी एनआरआर क्वेश्चन में ना दे और आपको वो बोले कि कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये है, तो आप उसी को क्या मानोगे? एनआरआर। बोलो बेटा। अब आपको ब्रांड के क्वेश्चन में क्या देगा? आपको ब्रांड के क्वेश्चन में दो दो कॉस्ट ऑफ कैपिटल देगा। वो बोलेगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन रिस्पेक्ट ऑफ टेंजिबल असेट और कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन रिस्पेक्ट ऑफ इनटेंजिबल असेट। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन रिस्पेक्ट ऑफ टेंजिबल असेट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन रिस्पेक्ट ऑफ इनटेंजिबल असेट। बताओ यहां पर कौन सी लोगे? इनटेंजिबल असेट। तो यहां पर साइड में ब्रैकेट में लिख दो एनआरआर ऑफ ब्रांड मींस, एनआरआर ऑफ ब्रांड का मतलब क्या होगा? कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ इनटेंजिबल असेट्स, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ इनटेंजिबल असेट्स। Is it clear, guys? Is it clear or not? बोलो पक्का? निकालिए ब्रांड का कॉन्सेप्ट वाला पॉइंट। ब्रांड का कॉन्सेप्ट वाला पॉइंट निकालिए और एक बार प्लीज उसको रीड करिए। ब्रांड का कॉन्सेप्ट वाला पॉइंट निकालिए और एक बार जल्दी उसको रीड करिए। जल्दी एक बार उसको रीड करो कॉन्सेप्ट वाले पॉइंट को, और उसके बाद जस्ट इसके बाद जो एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपके क्वेश्चन बुक में, ब्रांड का एक क्वेश्चन दिया होगा आपके क्वेश्चन बुक में ब्रांड का, क्वेश्चन नंबर 16, फिर आपको वो भी करना है। क्वेश्चन नंबर 16 ट्राई कर रहे हो क्या आप लोग? क्वेश्चन नंबर 16 कर रहे हो ट्राई? हो गया? सिंपल है यार। क्या था बताओ? सबसे पहले तो पैड दिया हुआ था। हाँ पैड दिया हुआ था कितना?
2500 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ था 2500। हाँ, क्या किया इसमें से? आपकी टेंजिबल फिक्स असेट्स बिजनेस में लगाई गई हैं 10,000 लाख की, और आइडेंटिफाइबल इनटेंजिबल असेट्स लगाई गई हैं ब्रांड के अलावा 1500 लाख की। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 14%। ये जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 14% है ना, ये जो 14% का जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वेटेड एवरेज, ये आपका टेंजिबल असेट पर माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है एक्सपेक्टेड नॉर्मल रिटर्न ऑन टेंजिबल असेट्स प्लस स्प्रेड करके, मतलब प्लस 4% कर दिया स्प्रेड, तो इसका मतलब 18%। फिर बोल रहा है एप्रोप्रिएट कैपिटलाइजेशन फैक्टर फॉर द इंटेंजिबल्स, इंटेंजिबल्स का, इंटेंजिबल असेट्स का कैपिटलाइजेशन फैक्टर कितना दिया हुआ है 25%। तो अब मैं क्या करूं, ये जो पैट है मेरे पास 2500 का, इसमें से अगर मैं किसी भी तरीके से टेंजिबल असेट का रिटर्न हटा दूं, कौन सा रिटर्न? प्रॉफिट फ्रॉम टेंजिबल असेट्स हटा दूं, कितना आएगा? 10,000 का 18%, कितना? 1800, कितना हुआ? 700। ये 700 किसका हुआ? प्रॉफिट फ्रॉम इनटेंजिबल्स। अब क्या करेंगे? प्रॉफिट फ्रॉम इनटेंजिबल्स, मैं अगर इसमें से एक और प्रॉफिट हटा दूं तो प्रॉफिट फ्रॉम इनटेंजिबल्स अदर देन ब्रांड, ब्रांड को छोड़कर, शायद 1500 की लगाई गई है ना मेरी इनटेंजिबल्स, उस पर मेरे को कितना रिटर्न एक्सपेक्टेड है? 25%, कितना हो रहा है? 375 क्या होगा? प्रॉफिट ड्यू टू ब्रांड डिवाइडेड बाय 25%, ब्रांड का वैल्यू। क्लियर है गाइस? 1300 इज वैल्यूएशन ऑफ ब्रांड, 1300 इज वैल्यूएशन ऑफ ब्रांड बेटा, क्लियर? अब ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। जो एग्जाम में अभी तक क्वेश्चन आए हैं वो ये क्वेश्चन नंबर 17 एक बार पूछा गया है, और ये क्वेश्चन नंबर 18 भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, ये दोनों क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत मजेदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नवंबर 2013 में आया था, नवंबर 2013। यू नो नवंबर 2013 अभी तक का टफेस्ट एग्जाम रहा है एफआर का। नवंबर 13 वाज द टफेस्ट एग्जाम एज फार एज एफ आर इज कंसर्न, सबसे टफ पेपर आया था नवंबर 13 का, एक एक क्वेश्चन लेवल का था, एक एक क्वेश्चन, और वहां का रिजल्ट था 2 या 2.5% समथिंग कुछ रिजल्ट आया था इंडिया का, 2-2.5%, सबसे कम। ये क्वेश्चन उस अटेम्प्ट का है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि टफ क्वेश्चन है, बट लिटरली मजा आता है ऐसे वाले क्वेश्चंस को करके कि हाँ यार ब्रांड के अपन कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। वो जो अपन ने क्वेश्चन किया ना अभी, वो तो ऐसे ही सस्ता सुंदर टिकाऊ क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आइए बेटा पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, आइए। जेड लिमिटेड इज अ एफएमसीजी प्लेयर इन द रेंज ऑफ मेंस कॉस्मेटिक एंड डील्स इन बोथ ब्रांडेड एंड अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स। The branded products are sold under the brand of Z and are fully outsourced from the third party manufacturers. ठीक है। The company's unbranded products are manufactured at its own manufacturing unit. अरे कंपनी क्या करती है? Unbranded product को वो खुद ही manufacturing कर देती है, और ब्रांड क्या का ब्रांडेड प्रोडक्ट को वो किसी और से बनवा लेती है और अपना ब्रांड छाप देती है उसमें, मतलब प्रोडक्ट बनवाती है किसी और से और उसमें अपना ब्रांड लगा देती है Z करके, ठीक है। अच्छा, द अर्निंग्स ऑफ द लास्ट 3 years रुपीज इन लैक्स आर फर्निश्ड बिलो। पिछले 3 साल की अर्निंग्स दी हुई है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोडक्ट, EBIT दिया हुआ है।
क्या दिया हुआ है बेटा? ईबीआईटी, ईबीआईटी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर कौन सा ये? 17। क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा, कितने साल के ईबीआईटी हैं? 3 साल के। बताना कौन कौन से, कौन कौन से हैं, फिगर्स क्या हैं? 5100, 7500 और ईयर, ईयर नहीं दिया है, 1 2 3 दिया हुआ है क्या? 1 2 3, ठीक है, ये ईबीआईटी दिया हुआ है। अदर इनकम रॉयल्टी फ्रॉम द पार्शियल यूज ऑफ जेड ब्रांड। अच्छा, ये भी आपकी रिलेटेड इनकम है, ये ब्रांड से रिलेटेड इनकम है तो प्लस करनी पड़ेगी। कितनी कितनी है? प्लस रॉयल्टी, क्योंकि ये ब्रांड से रिलेटेड है तो मुझे प्लस करनी पड़ेगी। हाँ, कितना? 190। हाँ, 135। हाँ, 225। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स एम्प्लॉयड, बिजनेस में उन्होंने टेंजिबल असेट्स कितनी कितनी लगा के रखी है? 9000, 10800 और 13500। कंपनी का रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है टेंजिबल असेट के ऊपर? जल्दी देखो कितना है, 14%, 12% और 14%। बेटा ध्यान से देखो, रिटर्न्स दिए हुए बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। रिटर्न्स क्या दिए हुए? बिफोर इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब जो ये परसेंटेज है 14%, 12%, 14%, ये भी बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। और मेरे पास जो ये फिगर है ये भी आपके बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। बोलो, सबसे पहले तो मुझे इसका टोटल बताओ। अगर मैं इसमें से अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स फ्रॉम टेंजिबल असेट्स हटा दूं, तो ईबीआईटी फ्रॉम टेंजिबल असेट्स, अब ये ईबीआईटी फ्रॉम टेंजिबल असेट्स मुझे कैसे मिलेगा? ये जो मेरी टेंजिबल असेट है 9000 की, उसका 14% तो दिया हुआ है और प्लस बोल रहा है स्प्रेड ओवर द रिटर्न 2, तो मतलब कितना? 16। तो 9000 का 16% अगर मैं हटा दूं तो? बोलो ना बेटा, बचेगा जो 1 3850। अगले साल कितना है? 10,800 का कितना? कितना 10,800 का कितना? 15%। हम भी चिल्लाएंगे, जल्दी बताओ। हाँ, 60 जो बचा। हाँ ठीक है, उसके बाद 13,500 का 17%। 7,8 क्या मैं कह सकता हूं ईबीआईटी ऑफ इंटेंजिबल्स? EBIT ऑफ इंटेंजिबल्स, वापस आओ। द एवरेज एनुअल फंड्स यूज्ड इन द कंपनीज ऑपरेशन इज 5200 लाख। कंपनी के बिजनेस में कितने फंड्स लगाए गए हैं? कितने फंड्स लगाए गए? 5200 लाख के फंड्स लगाए गए हैं, ऑफ विच 2800 लाख इज इन रिस्पेक्ट ऑफ ब्रांडेड बिजनेस। ब्रांडेड बिजनेस, वन सेकेंड, थोड़ा सा पहले शांत हो जाए। बिजनेस में 5200 लाख लगाए गए हैं, उसमें से 2800 रुपए ब्रांडेड बिजनेस में लगाए गए हैं। सर ये 5200 और ये 2800 है क्या? ये आपके लॉन्ग टर्म लोन्स हैं। ये क्या है लॉन्ग? सर समझ में तो आया नहीं। हाँ नहीं आया समझ में, मैं वो खुद ही बोल रहा हूं कि फर्स्ट टाइम इंटरप्रिटेशन पे हो सकता है आपको लगाओ कि ये क्या चीज है। एवरेज एनुअल फंड्स यूज इन द कंपनीज ऑपरेशन इज 5200 लाख। दिस 5200 लाख इज योर डेट अमाउंट। इट इज वॉट? इट इज योर डेट फिगर, इट इज नॉट एन इक्विटी।
ये आपका डेट है, डेट। सर क्यों बता रहा है ये डेट? अरे इस डेट के ऊपर इंटरेस्ट निकलेगा ना। हमें अभी क्या निकला हुआ है, हमने अभी क्या निकाला, ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अभी तो मुझे इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा ना। हा, मैंने आपको ब्रांड वैल्यूएशन का फॉर्मूला क्या बताया? अरे ब्रांड वैल्यूएशन का फॉर्मूला क्या बताया? आंखें खोलो, मुंह खोलो। प्रॉफिट ड्यू टू ब्रांड। तो प्रॉफिट ड्यू टू ब्रांड मींस व्हाट? प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ड्यू टू ब्रांड। हाँ, अभी तक हमें इंटेंजिबल से प्रॉफिट तो मिल गया है, पर वो कौन सा प्रॉफिट है? प्रॉफिट वो कौन सा है? बिफोर इंटरेस्ट एंड बिफोर टैक्स। तो अब मुझे इस प्रॉफिट में से क्या माइनस करना पड़ेगा? इंटरेस्ट। कौन सा वाला इंटरेस्ट? पूरे बिजनेस वाला इंटरेस्ट कि ब्रांडेड बिजनेस में जो इंटरेस्ट है वो वाला इंटरेस्ट? जल्दी बताओ, ब्रांडेड वाला बिजनेस वाला इंटरेस्ट। तो मेरे कंपनी में एवरेज फंड्स कितने लगाए गए हैं? 5200। ये तो पूरे कंपनी में लगाए गए हैं, बोलो ना बेटा। और मेरे ब्रांडेड बिजनेस में कितने फंड्स लगाए गए? हाँ, 2800। अच्छा, वन सेकेंड, आगे बढ़ते हैं। द कंपनीज टैक्स रेट इज 33.33% एंड हैज एन एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड्स। कॉस्ट ऑफ फंड्स, कॉस्ट ऑफ फंड्स मतलब कॉस्ट ऑफ डेट्स, कॉस्ट ऑफ फंड्स मतलब कॉस्ट ऑफ डेट्स कितना? कंसिडरिंग आफ्टर टैक्स शेल्टर। ओहो, पहले इसको बिफोर टैक्स करो, इस 17 को पहले बिफोर टैक्स करो। मेरा कॉस्ट ऑफ डेट 17% है आफ्टर टैक्स, तो बिफोर टैक्स कितना होगा? ये होगा, बोलो बेटा। अब एक तरीका यह है कि मैं 2800 का 25.50 इधर 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 तीनों जगह माइनस कर लूं, और एक शॉर्टकट है कि मैं इन तीनों का पहले सिंपल एवरेज या वेटेड एवरेज कर लूं, तो इकट्ठा प्रॉफिट रहेगा। तो इकट्ठा एक बार माइनस कर लूंगा इंटरेस्ट। अरे मैं इंटरेस्ट निकालूं इधर इधर इधर, सेम फिगर निकलेगा ना 2800 का? तो सो सेम क्यों निकलेगा? क्योंकि यहां पर लिखा है द एवरेज एनुअल फंड्स, मतलब पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल ऑन एन एवरेज 2800 लगाए गए थे। अगर इस क्वेश्चन में बदलाव हो जाए, फिर से आपके अटेम्प्ट में ये पेपर आ जाए, पेपर में क्वेश्चन आ जाए, और हो सकता है उसने बोला कि 2014 में इतने फंड्स, 2015 में कुछ और फंड्स, 2016 में कुछ और फंड्स लगाए गए, तो क्या करोगे आप? अलग अलग निकालोगे। अब मैं यहां पर शॉर्टकट तो कर सकता हूं ना, क्या शॉर्टकट कर सकता हूं? पहले एवरेज कर लो। बताओ बेटा एवरेज कौन सा होगा? वेटेड होना चाहिए, वेटेड होना चाहिए। आईसीआई के सजेस्टेड में इन्होंने सिंपल किया है, मेरी गलती नहीं है भाई, आईसीआई के सजेस्टेड में इन्होंने सिंपल किया है। वन सेकेंड, ये लो, आईसीआई के सजेस्टेड में इन्होंने सिंपल किया है। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ गया? ये 3750, ये वाला डिवाइड बाय 3, इन्होंने सिंपल एवरेज किया है। बात समझ में आ रही कि नहीं? क्या करें सर, मतलब ऐसे तो सर चीटिंग है सर ये तो। ऐसे ही मार्क्स आते हैं। चलो वेटेड एवरेज करके दो मुझे। सर क्यों वेटेड क्यों करवा रहे हो भाई? सिंपल एवरेज से आंसर दिया हुआ है ना, वेटेड करके देखते हैं अपन। वेटेड एवरेज करो इसका, वेटेड एवरेज ईबीआईटी, वेटेड एवरेज ईबीआईटी। बेटा वेटेड एवरेज मतलब 1, 2, 3 का वेट लेना पड़ेगा, 6, 5, 6, 1.67 माइनस इंटरेस्ट।
इंटरेस्ट कितना 2800 का 25.5714 कुछ भी नहीं करो ईबीआईटी नहीं सॉरी ईबीआईटी नहीं अब क्या बचा ईबीटी ऑफ इंटेंजिबल्स कितना 5847.67 हाँ ठीक है 5847.67 इसमें से क्या माइनस करेंगे टैक्स टैक्स कितना माइनस करने के बाद वैल्यू 3898.45 0.64 यह आ गया आपका ईएटी ऑफ इंटेंजिबल्स इंटेंजिबल असेट्स ईएटी ऑफ इंटेंजिबल असेट्स ठीक है बोलो बेटा आगे क्या बोल रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ जेड ब्रांड कंसिडरिंग अ कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ 20% बस हो गया डिवाइडेड बाय 20% वैल्यू ऑफ जेड ब्रांड 19493.2 लैक्स की क्रोर्स लैक्स सिंपल टोटल ईबीआईटी दिया था टोटल ईबीआईटी में से मैंने टेंजिबल्स का ईबीआईटी हटा दिया टेंजिबल्स का ईबीआईटी हटा दिया तो मेरे पास कौन सा ईबीआईटी बचा इनटेंजिबल्स का बस मुझे दिक्कत कहां आ रही थी इंटरप्रिटेशन करने में कि वो 5200 और 2800 है क्या 5200 और 2800 क्या है तो मैंने उसको बोला कि वो मेरा लॉन्ग टर्म डेट है और उस लॉन्ग टर्म डेट के ऊपर मैंने इंटरेस्ट निकाला मेरी बात समझ में आई कि नहीं बोलो बेटा क्लियर है कि नहीं इस क्वेश्चन को आप देख के जरूर जाइएगा एग्जाम में अब बस एक लास्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन भी अपना एग्जाम में आ चुका है इसमें एक अटेम्प्ट नहीं लिखा है यार कहीं एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन भी अपना एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन चलिए पढ़ना शुरू करें जल्दी Agile Limited is a manufacturer cum dealer of art of brand of trousers. With the passage of time, its brand has been well accepted in the market. The company has been approached by a foreign company engaged in the same trade to enter as a partner in the business. Ek foreign company iska partner banna chahta hai. Agile, in order to negotiate the deal, wants to get its brand valued. The following information based on the market research is available. Garment industry of which Agile is a constituent is expected to grow by 9% per annum during the next 5 years. Ruk jao. Puri garment industry, jis industry mein apni wali company bhi hai, apni wali company kuch trousers bana rahi hai. Puri garment industry har saal 9% per grow kar rahi hai. Abhi puri industry ka market size kya chal raha hai? 7500 crores. तो एक बात बताओ ईयर वन मुझे बताओ मार्केट साइज क्या एक्सपेक्टेड है आने वाले साल में जल्दी बताओ द प्रेजेंट मार्केट साइज इज 7500 करोर एंड योर मार्केट इज ग्रो अप बाय 9% एवरी ईयर देन आपका मार्केट साइज कितना हो जाएगा 81 फिर उसके अगले साल 8910
पॉइंट 75, फिर तीसरे साल 9712.72, हाँ उसके बाद 10586.86, हाँ और पांचवे साल 539.68, ये आपका मार्केट साइज हो जाएगा, मार्केट साइज बोलो बेटा, ये आपका मार्केट साइज हो जाएगा। आगे बढ़ते, देयर आर अदर ब्रांड्स बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल, द एग्जिस्टेंस ऑफ डुप्लीकेट ब्रांड्स इज अनअवॉइडेबल, मतलब कुछ फर्जी ब्रांड्स भी हैं जिसको कंसीडर करना पड़ेगा, इज अनअवॉइडेबल, मतलब हम जिस इंडस्ट्री में हैं हमारे साथ साथ कुछ नेशनल लेवल के ब्रांड और हैं, कुछ इंटरनेशनल लेवल के ब्रांड और हैं, और कुछ फर्जी दिल्ली मेड ब्रांड भी है। बात समझ में आ रही कि नहीं? द शेयर ऑफ सच प्लेयर्स इज एस्टिमेटेड टू बी 63, आ जाओ बेटा इधर। अगर मैं आपको बोलूं कि टोटल शेयर 100% में से अदर प्लेयर्स का शेयर 63% है, तो हमारी कंपनी का शेयर कितना होगा? 37% शेयर होगा। हाँ आ जाओ, द मार्केट शेयर ऑफ अदर नेशनल ब्रांड्स विल इंक्रीज बाय 0.25% ईयर ऑन ईयर बेसिस इन द नेक्स्ट 5 साल। आने वाले 5 साल में हर साल कितना कितना इंक्रीज होगा? हाँ 0.25, वन सेकेंड। अदर प्लेयर में कौन कौन बैठा है? एक नेशनल का कितना बढ़ेगा? बोलो बेटा। अच्छा आगे, द शेयर ऑफ इंटरनेशनल ब्रांड्स इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 1.5 टाइम्स ऑफ द नेशनल ब्रांड, तो इंटरनेशनल ब्रांड का कितना बढ़ेगा? इंटरनेशनल ब्रांड का 0.25% का डेढ़ गुना, 0.375, क्या मैं बोल सकता हूं पर एनम? हाँ बोलो ना बेटा। और जो फर्जी हैं उनका क्या है? बट द एग्जिस्टेंस ऑफ डुप्लीकेट ब्रांड इज टू फॉल बाय 2.5% ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 5 ईयर्स स्प्रेड इक्वली, मतलब हर साल 0.5 0.5। तो जो फर्जी ब्रांड है उनका क्या बोला? 0.5% डाउन पर एनम। तो मुझे टोटल बताओ, एक तो पॉइंट कैलकुलेट करो, 0.25% अप, 0.35% अप, माइनस 0.5% डाउन, नेट अप कितना? 0.125% अप है। अगर सोचो अदर लोग 0.125% हर साल बढ़ते जाएंगे, तो उतने से मैं हर साल गिरता जाऊंगा। तो बताओ, अगर मैं हर साल 0.125 से गिरता जाऊंगा, तो हमारा एगाइल का मार्केट शेयर हर साल कितना होगा? अभी हमारा करंट मार्केट शेयर कितना है? 37 माइनस 0.125, अब कितना हो जाएगा? 36.875%। उसके बाद माइनस 0.25 कितना हो जाएगा? 36.75। उसका माइनस 1.25% कितना हो जाएगा? 36.625। उसके बाद 36.5। उसके बाद 36.375। ये मेरा मार्केट शेयर हो जाएगा। बोलो बेटा। अच्छा टोटल मार्केट साइज 8175 है अगर, और मेरा शेयर 36 point something something है, तो बताओ मेरा मार्केट साइज कितना आ जाएगा? मार्केट साइज ऑफ कंपनी का मार्केट साइज इन रुपीस, करो परसेंटेज निकालो, 3014.53। कुछ लोग नीचे से भी निकाल सकते हो,
32.70. नेक्स्ट 3557.28, 3864.20, 4197.56. ये हमारा शेयर आ गया। बोलो बेटा आगे बढ़ते हैं, आगे 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 आगे। द एक्सपेक्टेड फॉरेन पार्टनर नीड्स द प्रोडक्शन लाइन ऑफ द कंपनी टू बी री इंजीनियर्ड। अच्छा, जो फॉरेन कंपनी हमारे साथ पार्टनर बनना चाहती है ना, उसकी कुछ डिमांड है। वो बोल रही है कि भाई हम ना तुम्हारे प्रोडक्शन लाइन में कुछ री इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? उससे आगे फायदा होगा। क्या फायदा होगा? विच विल लीड टू एन इंक्रीज इन द यील्ड। बेटा यील्ड का मतलब क्या होता है? कल बताया था मैंने, यील्ड का मतलब अर्निंग्स। यील्ड का मतलब अर्निंग्स। विच विल लीड टू एन इंक्रीज इन द यील्ड ऑफ द कंपनी बाय 3% आफ्टर 1 ईयर ओवर द प्रेजेंट यील्ड ऑफ 10%। अच्छा, अभी कंपनी की अर्निंग रेट क्या चल रहा है? एक सेकेंड, तो अभी ये 10% ही रहेगा, अगले साल ये 13 हो जाएगा। फिर से पढ़ो उस पॉइंट को, क्या लिखा है? यील्ड ऑफ द कंपनी बाय 3% आफ्टर 1 ईयर, एक साल बाद बढ़ेगा। नहीं आएगा समझ में? अभी कितना यील्ड है? 10%। एक साल बाद कितना हो जाएगा? 13%। उसके बाद कितना हो जाएगा? फर्दर इंक्रीज ऑफ 5% ईयर ऑन ईयर। तो बताओ अब कितना हो जाएगा? अब कितना हो जाएगा? अब कितना हो जाएगा? 28%। तो बताओ कंपनी का शेयर के ऊपर कंपनी की अर्निंग्स निकालो इन रुपीस। 301.453। बोलो बेटा क्लियर हो गया? ये अर्निंग्स आ गई कंपनी की। आगे बढ़ो। फॉलोइंग द मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ब्रांड टू बी यूज्ड फॉर नेगोशिएशन विद द फॉरेन कंपनी कंसीडरिंग द डिस्काउंटिंग रेट फॉर फर्स्ट 5 ईयर्स एज 0.909.826। बस इन सबका प्रेजेंट वैल्यू करो एट द रेट ऑफ 10%, और जो भी वैल्यू आएगा दैट इज ब्रांड। हो गया बेटा, क्लियर हुआ कि नहीं? गाइज इज इट क्लियर और नॉट? पक्का? पक्का क्लियर है कि नहीं? हाँ, so this is brand valuation. So now we have done with the valuation chapter. कितने question किए अपन ने valuation के? 18। valuation के 18 chapter questions हैं, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, आप अगर इतने ही questions भी करके जाओगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं देख के जाओगे चलेगा। कुछ भी अगर नहीं देख के जाओगे चलेगा, ये sufficient questions हैं। मैंने सारे questions वो लिए हैं जो level के हैं, ठीक है गाइस? क्लियर? सो नाउ वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद वील स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। ठीक है, टॉपिक बताऊंगा ना ब्रेक के बाद, नहीं तो तू भाग जाएगा। हाँ, ब्रेक में तू प्रिपरेशन करेगा। चलो टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक, उसके बाद अपन नया टॉपिक शुरू करेंगे।
Thank you.
ओके सो शैल वी स्टार्ट. चलिए सो नाउ वी आर स्टार्टिंग. छोटा सा टॉपिक इकोनॉमिक वैल्यू एडेड. देखते हैं हम कितना कर पाते हैं. इकोनॉमिक वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, उसके बाद मार्केट वैल्यू एडेड, और उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स रिपोर्टिंग. आपके एफआर में सबसे लास्ट चैप्टर है ना ये. हाँ, डेवलपमेंट इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करके टॉपिक है आपके एफआर में, जो सबसे लास्ट चैप्टर है, आई थिंक चैप्टर नंबर 10, डेवलपमेंट इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. उसमें ये चार चीजें हैं, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, मार्केट वैल्यू एडेड और ह्यूमन रिसोर्स रिपोर्टिंग. ईवीए. चलिए गाइस ध्यान से सुनिएगा मेरी बातचीत. इकोनॉमिक वैल्यू एडेड कॉन्सेप्ट बुक अपनी निकाल लीजिए. जो कॉन्सेप्ट बुक है उसमें इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का एक पेज का कॉन्सेप्ट उसमें मैंने डाला हुआ है. इकोनॉमिक वैल्यू एडेड ऑल दो मैंने कॉन्सेप्ट बुक में सारी चीजें डाली हुई हैं, बट हम उसको अभी पहले समझेंगे क्या कॉन्सेप्ट है. व्हाट इज इकोनॉमिक वैल्यू एडेड? What is economic value added? स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? सुनिए मेरी बात ध्यान से. एक बात बताओ, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस SPL हमें क्या देता है? हमें नेट प्रॉफिट देता है, विच शुड बी आफ्टर टैक्स. हमें क्या देता है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. बोलो यस और नो, टेल मी. SPL हमें क्या देता है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. तो मैं क्या कह सकता हूं, ये जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, दिस नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स
इज अवेलेबल फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स, बोलो बेटा, इज अवेलेबल फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स, और तीसरा एज अ रिटेन्ड अर्निंग. रिटेन्ड मतलब फॉर द मेंटेनेंस ऑफ कंपनी, मेंटेनेंस ऑफ कंपनी. बोलो ना बेटा, ऐसा थोड़ी है कि प्रॉफिट पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए. पर सर, जो प्रॉफिट हम आन करते हैं शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद, मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद, वो तो पूरा का पूरा इक्विटी का होता है. इक्विटी का होता है, पर कौन सा को इक्विटी को पूरा मिलता है? वो तो बिजनेस में वापस से रीइन्वेस्ट कर दिया जाता है. आई बात मेरी समझ में कि नहीं? बोलो बेटा, क्लियर है कि नहीं? तो एसपीएल आपको क्या देता है? नेट प्रॉफिट बताता है. एसपीएल आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देता है. दिस नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज अवेलेबल फॉर 3 persons. कौन से वो 3 persons है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स, और लास्ट में एंटिटी इटसेल्फ, खुद एंटिटी के लिए जो बच गया. बोलो मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? ईवीए का कॉन्सेप्ट क्या है? ईवीए का कॉन्सेप्ट है एक ऐसा प्रॉफिट निकालो जो सबकी एक्सपेक्टेशन को खत्म करने के बाद बच जाए. सबकी एक्सपेक्टेशन मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की भी एक्सपेक्टेशन खत्म हो जाए, इक्विटी शेयर होल्डर्स की भी एक्सपेक्टेशन खत्म हो जाए, बस कुल मिला के रिटेन्ड अर्निंग निकल जाए. मतलब एक ऐसा प्रॉफिट निकालो जिससे हम ये बता सकें कि देखो, हमने हमारे कंपनी में जिन जिन लोगों ने पैसे लगाए हैं, हमने उन सबकी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल कर लिया. कुछ डेट होल्डर्स हैं, डेट होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन को फुलफिल कर दिया. कुछ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल कर लिया. और कुछ इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, हमने उनकी भी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल कर लिया. उसके बाद भी देखो हमारे पास पैसा रखा हुआ है, द वैल्यू वी हैव एडेड इन आवर बिजनेस. मैंने अभी 3 लोगों की बातें की. सबसे पहले मैंने किसकी बात की? डेट होल्डर्स की. कंपनी में तुम लोगों ने पैसा लगाया है, कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने पैसा लगाया है, और कंपनी में तुम लोगों ने भी पैसा लगाया है. कौन हो तुम लोग? इक्विटी शेयर होल्डर्स. मेरी बात समझना, कंपनी में मेजर 3 लोग पैसा लगाते हैं. कंपनी में कौन कौन लोग पैसा लगाते हैं जल्दी बोलो? डेट होल्डर्स है ना, मतलब बैंक लोन, डिबेंचर्स, आउटसाइड लोन, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन. दूसरे कौन होते हैं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. और तीसरे मेन कौन होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स. कंपनी में 3 लोग पैसा लगाते हैं. एक तो तुम्हारे पास ईबीआईटी रखा हुआ है. ये ईबीआईटी क्या है? बोलो ईबीआईटी का फुल फॉर्म क्या है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. बोलो बेटा, मैं क्या बोल सकता हूं क्या? दिस अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, दिस बर अर्निंग बिफोर. अच्छा एक सेकेंड, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इस अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से नॉन ऑपरेटिंग इनकम हटा दूंगा. कौन सी इनकम हटा दूंगा? नॉन ऑपरेटिंग. बेटा ईवीए सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग बिजनेस का निकलता है. कौन से बिजनेस का निकलता है? मेरे साथ रिपीट करो ना, कौन से बिजनेस का निकलेगा? ऑपरेटिंग बिजनेस का ईवीए निकलता है. ऑपरेटिंग बिजनेस का ईवीए निकलता है. ईवीए सिर्फ ऑपरेटिंग बिजनेस का निकलता है. तो मैं इसको बोलूंगा ऑपरेटिंग ईबीआईटी. मैं इसको क्या बोलूंगा? ऑपरेटिंग ईबीआईटी. अरे यार, सीए जय चावला इज अर्निंग हिज इनकम फ्रॉम टीचिंग बिजनेस, फ्रॉम टीचिंग प्रोफेशन. बिजनेस नहीं बोलना यार, फ्रॉम टीचिंग प्रोफेशन. दैट इज द मेन इनकम ऑफ सीए जय चावला. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, जय चावला के पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं. वो प्रॉपर्टीज से किराया आता है, रेंट आता है. मैं बोलता हूं हाँ, वो भी मेरी इनकम है. बट मैं अगर अपने प्रोफेशन का ईवीए निकालना चाहता हूं, मैंने अपने प्रोफेशन में कितना वैल्यू क्रिएट किया, ऐड किया अपने प्रोफेशन से, तो क्या मैं अपने रेंट इनकम को जोड़ूंगा क्या? नहीं ना. तो मैं वही तो बोल रहा हूं, तुम्हारी कंपनी में जो इनडायरेक्ट नेचर की इनकम हो रही है उसको तुम हटाओगे ना,
क्योंकि तुम्हारे कंपनी के खुद के बिजनेस से तुम्हें कितना ईवीए क्रिएट हुआ वो तुम निकालना चाहते हो। मेरी बात समझ में आएगी नहीं, इसलिए सबसे पहले क्या माइनस करते हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। मेरी बात समझ में आएगी नहीं? अच्छा, अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि जो ये ऑपरेटिंग ईबीआईटी बचा है, कैन आई से दिस इज अवेलेबल फॉर डेट होल्डर्स? बोलो, डेट होल्डर्स। कैन आई से दिस इज अवेलेबल फॉर डेट होल्डर्स? कैन आई से दिस इज अवेलेबल फॉर गवर्नमेंट फॉर पेइंग टैक्सेस? क्योंकि स्टिल आई हैवंट पेड एनी टैक्स, ईबीआईटी है ना। एंड कैन आई से दिस इज अवेलेबल फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स फॉर देयर डिविडेंड? हाँ। एंड कैन आई से दिस इज अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स फॉर देयर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम मी? बोलो बेटा, फॉर देयर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम कंपनी। एंड कैन आई से दिस इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर द कंपनी इटसेल्फ? बोलो बेटा, कंपनी इटसेल्फ। सो मैं क्या कह सकता हूं कि जो मेरा ऑपरेटिंग ईबीआईटी है वो ये तीन लोगों के, ये सॉरी तीन नहीं, कितने, तीन नहीं है, कितने हैं, पांच लोगों के लिए अवेलेबल है। अरे बोलो ना यार, कितने लोगों के लिए अवेलेबल है? पांच लोगों के लिए अवेलेबल है। मुझे, मैं चाहता हूं कि सिर्फ एक ऐसा प्रॉफिट निकाला जाए जो सिर्फ और सिर्फ सबकी एक्सपेक्टेशन को माइनस करने के बाद सिर्फ निकल एंड में बचे कि कंपनी ने अपने लिए कितना वैल्यू क्रिएट किया, कंपनी ने अपने लिए कितना वैल्यू क्रिएट किया, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड फ्रॉम द बिजनेस। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो सबसे पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले एक काम करते हैं, ऑपरेटिंग ईबीआईटी है मेरे पास माइनस टैक्स, माइनस टैक्स, माइनस टैक्स। डाउट नहीं आ रहा क्या? मैंने टैक्स माइनस कर दिया डायरेक्ट, माइनस टैक्स, आपको तो डाउट आना चाहिए। मैंने टैक्स डायरेक्ट माइनस कर दिया, क्या माइनस नहीं किया? इंटरेस्ट। हाँ, मैंने इंटरेस्ट अभी माइनस नहीं किया, रुक जाओ, माइनस टैक्स। अरे रुक जाओ, टेंशन मत करो, मैं इंटरेस्ट माइनस करूंगा, माइनस टैक्स। देखो मैंने गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन को फुलफिल कर दिया। अब ये क्या बचा? मैं जब ऑपरेटिंग ईबीआईटी में से टैक्स माइनस कर दूंगा तो मैं बोलूंगा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, शॉर्ट में बोलूंगा नोपैट। शॉर्ट में मैं इसको बोलूंगा नोपैट। बताओ मैंने बेटा इन पांच में से कितने लोगों की एक्सपेक्टेशन फुलफिल कर ली? पांच में से कितने लोगों की एक्सपेक्टेशन फुलफिल कर ली? एक की एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो गई। अब कितने लोग बचे? हाँ, चार। चार में से मुझे अपने आप को तो छोड़ दो, कंपनी इटसेल्फ को तो छोड़ दो, मुझे अभी भी कितने लोगों की एक्सपेक्टेशन फुलफिल करनी है? तीन। कौन कौन से वो तीन लोग हैं? कौन कौन से तीन लोग हैं? डेट होल्डर्स, प्रेफरेंस होल्डर्स, इक्विटी होल्डर्स। यही तो तीन लोग मेन है, इन्हीं तीन लोगों ने तो मेरी कंपनी में पैसा लगाया है। अगर मैं इन्हीं तीनों लोगों की एक्सपेक्टेशन को फुलफिल कर लूं, उसके बाद जो मेरे पास एंड में बचेगा वो मेरा इकोनॉमिक वैल्यू एडेड होगा। आई बात समझ में कि नहीं? ये अभी फिलहाल मैंने क्या निकाला है? नोपैट। अरे बोलो ना, क्लियर है कि नहीं? ये मैंने नोपैट निकाल लिया। बोलो बेटा। अच्छा, मेरी कंपनी ने किस किस, मेरी कंपनी में किस किस ने पैसा लगाया है? हाँ, डेट होल्डर्स, तो मैं बोल सकता हूं लॉन्ग टर्म डेट्स। और किसने पैसा लगाया है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और किसने पैसा लगाया है? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। क्या मैं कह सकता हूं कि दिस इज द टोटल, टोटल फंड्स अप्लाइड? बोल सकता हूं मैं इसको टोटल फंड्स अप्लाइड? अरे बोलो ना यार, मैं इसको बोलूंगा टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल। क्लियर है? वो जो जय चावला की जो प्रोफेशनल इनकम है ना, जो टीचिंग वाली है, उसमें से जय चावला ने बहुत कमाया, बहुत कमाया, बहुत कमाया, और प्रॉपर्टी खरीद ली।
बहुत कमाया बहुत कमाया बहुत कमाया और प्रॉपर्टी खरीद ली. कौन सी प्रॉपर्टी? वो जो किराए पर चला रहा है और उस किराए से उसको, उस प्रॉपर्टी से उसको किराया मिल रहा है. अगर आज जय चावला की बैलेंस शीट बनाई जाए तो जय चावला ने कुछ बैंक से लोन लिया है, जय चावला के प्रेफरेंशियल होल्डर्स हैं और जय चावला के इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं. पूरा पैसा लगाया गया जय चावला के बिजनेस में, ये देखो पूरा पैसा लगाया गया. बट इसमें से मुझे वो पैसा चाहिए जो कि जय चावला ने अपने बिजनेस में ही इन्वेस्ट किया है. अगर कुछ कैपिटल का हिस्सा बाहर इन्वेस्ट हुआ है, नॉन ऑपरेटिंग एसेट में इन्वेस्ट हुआ है, उसको हटाओ. तो मेरा कहने का मतलब है कि टोटल कैपिटल में से मुझे कौन सी चीज माइनस करनी पड़ेगी? नॉन ऑपरेटिंग असेट्स. अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो ये निकलेगा ऑपरेटिंग कैपिटल. मेरी ऑपरेटिंग कैपिटल कितनी है? समझ में आया कि नहीं? बेटा मैं अपने बिजनेस का ईवीए निकाल रहा हूं तो मुझे प्रॉफिट भी कौन सा चाहिए? बिजनेस का. इसलिए मैंने नॉन ऑपरेटिंग इनकम हटा दी. तो मुझे पैसा भी जो मैंने लगाया है अपने बिजनेस में मुझे वही चाहिए, तो इसलिए ऑपरेटिंग कैपिटल. आपको दो बातें क्लियर हुई कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? हाँ अच्छा बेटा, क्या क्या निकल गया? दो चीजें निकल गई. कौन कौन सी दो चीजें निकल गई? नोपैट और ऑपरेटिंग कैपिटल. नोपैट एक बार देख लो कैसे निकाला अपन ने, ताकि भूलो ना. नोपैट कैसे निकाला? टोटल ईबीआईटी में से मैंने नॉन ऑपरेटिंग इनकम हटा दी. अब मिल गया मुझे ऑपरेटिंग ईबीआईटी. ऑपरेटिंग ईबीआईटी में से मैंने सरकार की एक्सपेक्टेशन हटा दी. अब मुझे मिल गया नोपैट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. और मैं कह सकता हूं कि जो ये नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, दिस इज अवेलेबल फॉर डेट होल्डर्स, दिस इज अवेलेबल फॉर प्रेफरेंशियल होल्डर्स, दिस इज अवेलेबल फॉर इक्विटी होल्डर्स एंड दिस इज अवेलेबल फॉर मी, मतलब कंपनी एंड कंपनी इटसेल्फ. बोलो बेटा. इसके अलावा मैंने एक ऑपरेटिंग कैपिटल निकाला. अगर मैं आपको बोलूं कि मैं नोपैट को डिवाइड करूं ऑपरेटिंग कैपिटल के से, अगर मैं नोपैट को डिवाइड करूं ऑपरेटिंग कैपिटल से इनटू 100 करूं, तो मैं क्या इसको बोलूंगा? रिटर्न ऑन ऑपरेटिंग कैपिटल. क्या मैं इसको कह सकता हूं रिटर्न ऑन ऑपरेटिंग कैपिटल? बोलो. इसको बोलूंगा आरओओसी, रिटर्न ऑन ऑपरेटिंग कैपिटल. आरओओसी, ROOC, रिटर्न ऑन ऑपरेटिंग कैपिटल. मैंने क्या किया? मैंने नोपैट निकाला, मतलब मेरी अर्निंग, और मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला, अर्निंग डिवाइड बाय कैपिटल, ये आ गया रिटर्न ऑन कैपिटल. मेरी अर्निंग कौन सी है? ऑपरेटिंग. मेरा कैपिटल कौन सा है? ऑपरेटिंग. तो ये क्या आ गया? रिटर्न ऑन ऑपरेटिंग कैपिटल, ROOC. ये परसेंटेज में होगा. बोलो ना साहब, क्लियर है कि नहीं? बोलो ना. अगर मैं आपको बोलूं कि फॉर एग्जाम्पल, कैलकुलेटर यूज करना, मैं आपको बोलूं फॉर एग्जाम्पल मेरा नोपैट है 15 लाख रुपए. नोपैट है, इट इज अवेलेबल फॉर डेट होल्डर्स. अभी मुझे इसमें से इंटरेस्ट देना है, प्रेफरेंशियल होल्डर्स, इक्विटी होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन और एंड में कंपनी. हाँ, और मैं आपको बोलूं कि मेरा ऑपरेटिंग कैपिटल है, मैं आपको बोलूं कि मेरा जो ऑपरेटिंग कैपिटल है वो है 85 लाख. कैलकुलेट करो और आरओओसी कितना हुआ? 17.65%, 6465 जो भी आया. क्या मैं कह सकता हूं जो ये आरओओसी है, आरओओसी है, इट इज अवेलेबल फॉर डेट होल्डर्स, प्रेफरेंशियल होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड कंपनी. बोलो ना. कंपनी वाला, खुद की कंपनी के पास जो एंड में रिटर्न बचना चाहिए. बोलो बेटा. अगर मैं इस 17.65 में से, मतलब आरओओसी में से, अगर मैं माइनस कर दूं वैक. वैक क्या होता है? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दैट मींस केडी. केडी कौन? अरे बोलो. डेट्स प्लस केपी, कॉस्ट ऑफ प्लस केई. अगर मैं ये तीनों की एक्सपेक्टेशन हटा दूं तो एंड में मेरे पास क्या बचेगा? ईवीए. अरे बोलो यार. पर वो ईवीए परसेंटेज में बचेगा, आरओओसी परसेंटेज में है ना.
और अगर मैं वैक भी परसेंटेज में लेके आया, मान लो 13% वैक, सर कहां से आया वो रुक जाओ, अभी आएगा, अभी मैंने वैक आपको अभी बताया नहीं है, तो 17.65% इज एन आरओसी, उसमें से मैंने 13% तीनों की एक्सपेक्टेशन हटा दी, तो मेरे पास ईवीए कितना परसेंट आ गया 4.65%, ये मेरा क्या आ गया ईवीए, और ईवीए मुझे किसके ऊपर निकालना है, ऑपरेटिंग कैपिटल के ऊपर, अरे बोलो ना, तो 4.65 ऑफ 85 लाख्स, 3,95,000 अप्रोक्स द वैल्यू एडेड बाय द कंपनी फॉर इटसेल्फ, सबकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल करने के बाद, मतलब कंपनी 15 लाख रुपए का प्रॉफिट तो अर्न कर रही है, ये रही कंपनी 15 लाख रुपए का तो प्रॉफिट अर्न कर रहा है, बट कंपनी अपने लिए कितना बचा रहा है, 395 सबकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल करने के बाद, इस साल मेरा ईवीए 395 है, मतलब मैंने अपनी कंपनी में 395 से वैल्यू क्रिएट किया है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जहां पर उनका ईवीए नेगेटिव होता है, पता है क्यों, बिकॉज ऑफ देम। देखो केडी वालों को तो मुझे फिक्स देना है, उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है मुझसे, जल्दी बताओ केडी वालों की एक्सपेक्टेशन, बोलो इंटरेस्ट, तो बोलो केडी कैसे निकालेंगे, टेल मी केडी कैसे निकालेंगे, इंटरेस्ट रेट 1 माइनस टैक्स रेट। अब ये मत पूछना 1 माइनस टैक्स रेट क्यों किया, क्योंकि मैंने जब ऊपर नोपैट निकाला था तो सबसे पहले टैक्स माइनस कर दिया था, तो तुम्हें एक डाउट था उस टाइम पे कि सर आपने इंटरेस्ट तो माइनस किया ही नहीं, आपने डायरेक्ट टैक्स माइनस कर दिया, तो अब देखो मैं अब यहां पर इंटरेस्ट में से टैक्स माइनस कर रहा हूं, कोई दिक्कत थोड़ी है, बोलो बेटा हाँ। तो केडी कैसे निकाला मैंने, इंटरेस्ट रेट 1 माइनस टैक्स रेट, और मैं उसमें वेटेड एवरेज करने के लिए क्या करूंगा, वेटेड एवरेज वेट्स किस चीज का दूंगा, डेट अमाउंट डिवाइड बाय टोटल कैपिटल, अरे बोलो ना ये कहां से आया, ये डेट अमाउंट डिवाइड बाय टोटल कैपिटल, तुम तीनों ही ने तो पैसा लगाया है ना मेरे बिजनेस में, इसने लगाया, तुमने लगाया, तो तीनों का वेटेड एवरेज ले लेता हूं, डेट अमाउंट डिवाइड बाय टोटल कैपिटल। अब एक ना बेवकूफी मत करना एग्जाम में कि डेट अमाउंट डिवाइड बाय ऑपरेटिंग कैपिटल करके आ गए, ये शायद डाउट भी जा रहा होगा कि सर डिवाइड बाय ऑपरेटिंग कैपिटल क्यों नहीं किया, आप तो सब में ऑपरेटिंग की बात कर रहे हो, सर आपने तो ऑपरेटिंग ईबीआईटी निकाल लिया, सर आपने ऑपरेटिंग कैपिटल से आपने वो किया आरओसी निकाल लिया, पर सर जब आप वेटेड एवरेज ले रहे हो तो सर टोटल कैपिटल का वेटेड एवरेज क्यों ले रहे हो। माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे पता नहीं है ना कि जो ये नॉन ऑपरेटिंग असेट है इसमें मैंने पैसा कौन सा वाला लगाया है, बैंक से लेके पैसा मैंने इसमें इन्वेस्ट किया, कि मैंने प्रेफरेंशियल होल्डर का पैसा मैंने इस नॉन ऑपरेटिंग असेट में इन्वेस्ट किया, कि इक्विटी वाला इन्वेस्ट किया। भाई तुम तीनों ने पैसा तो मेरे पास इतना लगाया है ना, आ रही बात समझ में कि नहीं, तो प्रपोर्शन में ऑपरेटिंग कैपिटल का प्रपोर्शन कैसे करूं, मुझे तो टोटल कैपिटल का ही प्रपोर्शन करना पड़ेगा ना कहीं ना कहीं, बात समझ में आ रही कि नहीं। तो इसीलिए वेटेड एवरेज करने के लिए डेट अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल, मेरी बात समझ में आई कि नहीं, ये किसका निकाला मैंने, डेट लॉन्ग टर्म डेट्स का, गाइस क्लियर है कि नहीं, वो गरीब आदमी चला गया, उसकी एक्सपेक्टेशन हो गई फुलफिल, उसको क्या चाहिए था, इंटरेस्ट। अब ये तुम लोग बोलो बेटा, तुम भी गरीब लोग हो, क्या चाहिए तुम्हें सिर्फ, साहब हमें तो बस हमारा डिविडेंड दे दो, हमें तो हमारा डिविडेंड दे दो, तो यहां पर प्रेफरेंस डिविडेंड रेट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट क्या ना आएगा क्या नहीं, इंटू प्रेफरेंशियल कैपिटल डिवाइड बाय टोटल कैपिटल, वेट दे दिया
अरे बोलो ना यार, इनकी गरीब की भी इच्छा पूरी कर दी, लो जाओ, एक्सपेक्टेशन थी तुम्हारी, दिक्कत है इन लोगों के साथ। इनकी एक्सपेक्टेशन क्या है, इनकी एक्सपेक्टेशन क्या है, बोलो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन क्या है, क्या बोलो, जवाब दो, कुछ भी जवाब दो, इनकी एक्सपेक्टेशन क्या है, एनआरआर। एनआरआर भी कहां से आएगा, एनआरआर तो चाहिए पर कहां से आएगा एनआरआर। पहला सवाल, क्या इनकी एक्सपेक्टेशन डिविडेंड है, क्या इनकी एक्सपेक्टेशन डिविडेंड है, यस नो? ये इन्होंने डिविडेंड के लिए मेरी कंपनी थोड़ी पैसा लगाया है कि इनको डिविडेंड देता रहा हूं मैं। कभी देखा है कंपनी से डिविडेंड का जब चेक आता है तो कितने का आता है, 2000, 25 रुपए, 30 रुपए, ऐसे ऐसे चेक आते हैं। क्या इनकी एक्सपेक्टेशन मेरी डिविडेंड से ही क्या? नहीं सर, ऐसे तो इनकी एक्सपेक्टेशन अनलिमिटेड है। हाँ बोलो ना बेटा, वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड ना, वो पढ़ा था ना अपन ने सीपीटी में, शुरू से 11 12 में पढ़ा था इकोनॉमिक्स में, ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड बट द रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो ऐसे ह्यूमन वॉन्ट्स अनलिमिटेड, तो सर इनकी एक्सपेक्टेशन क्या है, इनकी एक्सपेक्टेशन क्या है? इन्होंने बोला सर हमारी एक्सपेक्टेशन 15% है, मैंने बोला लो 15%, फिर अगले साल से ये और खुल जाएंगे, बोलेंगे नहीं सर हमारा एक्सपेक्टेशन 18% है। तो ऐसे तो इनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ती जाएगी, तो ऐसे नहीं निकाल सकते। तो इसीलिए बोला गया है कि इक्विटी की एक्सपेक्टेशन कितनी है वो डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी किस इंडस्ट्री में है, आपकी कंपनी किस इंडस्ट्री में बैठा हुआ है, आपकी कंपनी कौन से इंडस्ट्री में काम कर रही है। इन लोगों की एक्सपेक्टेशन डिपेंड करती है इंडस्ट्री पे, इंडस्ट्री के रिटर्न पर। अगर इंडस्ट्री का रिटर्न 15% चल रहा है, कितना परसेंट चल रहा है, 15% चल रहा है, और इन्होंने आपकी कंपनी में पैसा लगाया है विच इज मोर रिस्की, तो इनकी एक्सपेक्टेशन मेरी कंपनी से 15% से ज्यादा होगी। और अगर इनकी एक्सपेक्टेशन इंडस्ट्री से इनकी एक्सपेक्टेशन मुझसे है और मेरा रिस्क फैक्टर इंडस्ट्री के रिस्क फैक्टर से नीचे है, तो इनकी एक्सपेक्टेशन मेरे से 15% से नीचे होगी। बोलो बेटा, हाँ बोलो, कितनी रहेगी, 15 ही रहेगी, क्योंकि सर मैंने आपने कल बताया था ये चीज, पर मैंने आपको कल एक CAPM मॉडल भी बताया था। हाँ CAPM मॉडल का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो, KE, टेल मी, KE मतलब क्या? सर हमें तो ना कम से कम बैंक का जो 7% रेट चलता है वो तो चाहिए ही चाहिए, रिस्क फ्री। अच्छा सर आपकी इंडस्ट्री में ना आजकल जो रिटर्न चल रहा है ना वो सर 14% चल रहा है, तो 7 तो हमें चाहिए ही चाहिए और 14% चल रहा है इंडस्ट्री में, तो सर हमें ये प्रीमियम भी चाहिए। बोलो बेटा, बोलो ना। अच्छा सर आपकी कंपनी का बीटा क्या है? बेटा इंडस्ट्री का बीटा हमेशा 1 होता है, इंडस्ट्री का बीटा हमेशा क्या होता है, 1। मैंने बोला मेरा बीटा 1.25 है, इसका मतलब क्या है, बोलो मेरा बीटा कितना है, 1.25, तो मतलब वो लोग क्या बोलेंगे, सर अब तो ना हमें आपकी ऐसी की तैसी, मतलब आप इतना ज्यादा रिस्की क्यों हो, अब हमें आपसे ज्यादा चाहिए। बोलो बेटा, मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, मेरा बीटा ना 0.8 है, मेरा बीटा कितना है 0.8, तो मैं बोलूंगा ठीक है सर मुझे आपकी कंपनी से इतना चाहिए, इंटू बीटा ही करते ना, बोलो ना यार, तो ये आपका आ गया KE, निकालना कितना आ रहा है, 0.8 करके ना 12.6 इंटू इक्विटी शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल, ये क्या है, वेट दे दिया। तो अब ये तीनों को मैंने वेट दे दिया और मुझे यहां से क्या मिल गया, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या डिफाइन करता है, द एक्सपेक्टेशन ऑफ फाइनेंस प्रोवाइडर्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ फाइनेंस प्रोवाइडर्स। हु आर द फाइनेंस प्रोवाइडर्स, डेट होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स। इफ आई डिडक्ट द इंटायर एक्सपेक्टेशन ऑफ फाइनेंस प्रोवाइडर फ्रॉम माई आर ओ सी, I will get EVA.
द सिंपल लॉजिक गाइज, अंडरस्टूड और नॉट? टेल मी, हमने सबसे पहले क्या निकाला? बस हो गया, खत्म हो गया, ईवी इतना ही था, जल्दी बोलो हमने सबसे पहले क्या निकाला? नोपैट. नोपैट का फॉर्मूला क्या है? अब आप फॉर्मूला जाओ आप यहां लॉजिकली बोलो क्या, जल्दी बोलो. ईबीआईटी, ईबीआईटी में से क्या माइनस करना पड़ेगा? नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, नॉन ऑपरेटिंग इनकम. तो क्या बचेगा? ऑपरेटिंग ईबीआईटी. ऑपरेटिंग ईबीआईटी में से क्या माइनस करना पड़ेगा? टैक्स. टैक्स माइनस कर दिया तो क्या बचेगा? नोपैट. चलो नोपैट को रख दो साइड में. अब उधर जाते हैं कैपिटल की तरफ कि किसने किसने पैसा लगाया है. चलो कौन कौन लगाएगा? डेट होल्डर्स, प्रेफरेंस होल्डर्स, इक्विटी होल्डर्स प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस. ये क्या हो गया? क्या हो गया? ये टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल आ गया. उसमें से माइनस क्या करेंगे? माइनस क्या करेंगे? नॉन ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स माइनस कर देंगे. वो एग्जांपल क्लियर है ना? नॉन ऑपरेटिंग एसेट माइनस क्यों करेंगे? अच्छा, मेरी कंपनी में ऑपरेटिंग पैसा कितना लगाया गया, ऑपरेटिंग एसेट्स में कितना पैसा लगाया गया. अच्छा, अब नोपैट को किससे डिवाइड करेंगे? ऑपरेटिंग कैपिटल से डिवाइड करेंगे. क्या मिलेगा? आर ओ ओ सी. क्या बोलेंगे? फुल फॉर्म, फुल फॉर्म, फुल फॉर्म बोलो. रिटर्न ऑन ऑपरेटिंग कैपिटल, रिटर्न ऑन ऑपरेटिंग कैपिटल, आर ओ ओ सी, रिटर्न ऑन ऑपरेटिंग कैपिटल. बोलो बेटा, समझ में आई बात की नहीं? रिटर्न ऑन ऑपरेटिंग कैपिटल निकल गया. अब मुझे इसमें से क्या माइनस करना है? वैक. क्या माइनस करना है? वैक, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सम ऑफ थ्री थिंग्स. कौन सी कौन सी? केडी, केपी, केई. केडी मतलब क्या? कॉस्ट ऑफ डेट्स. कैसे निकाला? इंटरेस्ट वन माइनस टैक्स रेट इंटू डेट कैपिटल डिवाइड बाई टोटल कैपिटल. बोलो. अच्छा, केपी, प्रेफरेंस डिविडेंड रेट इंटू प्रेफरेंस कैपिटल डिवाइड बाई टोटल कैपिटल. केई, सीएपीएम इंटू इक्विटी शेयर होल्डर फंड डिवाइड बाई टोटल कैपिटल. सीएपीएम मतलब आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ बीटा. बोलो बेटा, क्लियर? हा, क्लियर है कि नहीं? पक्का? चलो, ये सारी पॉइंट्स यहीं पर लिखी हुई हैं. ये सब कुछ लिखा हुआ है यहां पर पॉइंट, ठीक है. ये ईवीए का फॉर्मूला, ईवीए का फॉर्मूला, आर ओ ओ सी परसेंटेज में माइनस वैक परसेंटेज में इंटू ओ सी. बेटा क्लियर है कि नहीं? बोलो बेटा, क्लियर है कि नहीं? ये आर ओ सी कैसे निकलेगा, वैक कैसे निकलेगा, ऑपरेटिंग कैपिटल कैसे निकलेगा, ये सब दिया हुआ. यस, इफ द डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स इज गिवन इन द क्वेश्चन देन वी नीड टू डिडक्ट इट. ऑब्वियसली वी नीड टू कंसिडर इट ऑल्सो. डेफिनेटली दिया, कंसिडर करना पड़ेगा. बोलो बेटा, क्लियर है कि नहीं? मैं आता हूं क्वेश्चन पे इसके. ये लो, आ जाओ बेटा, निकालो क्वेश्चन. चलो करके देखें सॉल्व. फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ विनोद लिमिटेड कंप्यूट द इकोनॉमिक वैल्यू एडेड. ये आपके पीएम का क्वेश्चन है, ये आपके पीएम का क्वेश्चन है. कंप्यूट इकोनॉमिक वैल्यू एडेड. एक काम करो, लाइन बाय लाइन चलो. सबसे पहले मुझे ऑपरेटिंग कैपिटल निकाल के दो, जल्दी. कैलकुलेटर पे निकाल के दे सकते हो चाहो तो. सबसे पहले मुझे ऑपरेटिंग कैपिटल निकाल के दो. शेयर कैपिटल 2000, रिजर्व्स एंड सरप्लस 4000, ठीक है. लॉन्ग टर्म डेट्स 400. टैक्स रेट नहीं आएगा, रिस्क फ्री नहीं आएगा, मार्केट नहीं आएगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा, बीटा नहीं आएगा, प्रॉफिट नहीं, बस खत्म. हाँ, टेल मी. हाँ, मैं कह सकता हूं मेरा टोटल कैपिटल 6400 और यही मेरा ऑपरेटिंग कैपिटल भी है. बोलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 67 है ना ये. हाँ, अच्छा, अब मुझे नोपैट निकाल के दो, मुझे नोपैट निकाल के दो. प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 2000, इसमें से नॉन ऑपरेटिंग इनकम हटाओ. नॉन ऑपरेटिंग इनकम है ही नहीं, ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम नहीं है. तो पीबीआईटी कितनी थी?
2000, इसमें से क्या माइनस करेंगे डायरेक्ट टैक्स, क्या बचेगा नो पैट, कितना आएगा 1400। अब मुझे आरओओसी निकाल के दो, 1400 डिवाइडेड बाय 6400, 21.875 भी आ रहा है क्या, 875। अच्छा अब मुझे वैक निकाल के दो, वैक में केडी बताओ, केडी 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 7, कैसे 7 कैसे, 40 डिवाइड बाय 400 ये हो गया आपका इंटरेस्ट रेट 10%, और 10 में से टैक्स रेट 30% गया तो 7%, और 7 का अभी तो रुको ना, वेटेड करना पड़ेगा केडी का, वेटेड करो, वेट कितना है, वेट 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 इनटू 400 डिवाइड बाय 6400 कितना आया 0.437, चार डिजिट में बोल रहे हो, 4375, दिस इज माय केडी। बोलो बेटा आई थिंक देर इज नो केपी, केपी है ही नहीं, केपी है ही नहीं ना, बस केई, केई निकालो, केई 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 निकालो, के ई आर एफ कितना है, आर एफ आर एफ 9 प्लस आर एम 16 माइनस 9 बीटा, बीटा 1.05, ये कितना आया इनटू इनटू इक्विटी शेयर होल्डर फंड 6000 डिवाइड बाय टोटल कैपिटल 6400, 15.32, 3281 ये आ गया मेरा केई। तो बताओ मेरा वैक क्या है, वैक 0.4375 प्लस 15.3281, अरे बोलो 15.7656%, ये मेरा वैक है। आरओओसी कितना था, ईवीए 21.875 माइनस 15.7656 इंटू ओसी 6400, 39,100। आ गया, इंस्टीट्यूट आपसे कहां खेल सकता है, सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर क्वेश्चन में उसने बीटा एक से ज्यादा दे दिए, वो आपको बोलेगा लास्ट 5 ईयर्स बीटा आर 1.05, 1.1, 0.9, 1.15, 1.3, लास्ट 5 साल का बीटा देगा आपको, क्या करोगे, विच एवर इज हायर, आपको हायर बीटा लेना है, ध्यान रखिएगा। अगर आपको बीटा उन्होंने एक से ज्यादा दे दिया तो आपको हायर वाला बीटा लेना है। बोलो बेटा मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं, आपको हायर वाला बीटा लेना है, नहीं एवरेज नहीं ले सकते, इंस्टीट्यूट चिल्लाएगा, ठीक है।
हाँ बेटा क्लियर। बोलो बेटा क्लियर है कि नहीं। चलो एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही चीज डिफरेंट दी हुई है, फाइनेंशियल लिवरेज करके। आपको क्वेश्चन में फाइनेंशियल लिवरेज दिया हुआ है 1.4 टाइम्स, और कहीं पे भी प्रॉफिट का फिगर नहीं दिया हुआ। फाइनेंशियल लिवरेज दिया हुआ है, प्रॉफिट का फिगर नहीं दिया हुआ, क्या करोगे? फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? फाइनेंशियल लेवरेज, ईबीआईटी, क्या बोला? अपॉन ईबीटी, बोलो ना। हाँ तो मैं बोल सकता हूं क्या? ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, बोलो। इट इज इक्वल टू 1.4, इट इज इक्वल टू 1.4, इट इज इक्वल टू 1.4, समझ में आ रहा है? इट इज इक्वल टू 1.4। तो ईबीआईटी में अज्यूम कर लूंगा एक्स डिवाइड बाय एक्स माइनस इंटरेस्ट ढूंढो, इंटरेस्ट ढूंढो, टेन परसेंट डिवेंचर्स ऑफ रुपीज 10 ईच 80 लाख नंबर्स है, 80 लाख, तो माइनस 80 इंटू वन पॉइंट इज इक्वल टू 1.4। हाँ बोलो। टू एटी, एक्स की वैल्यू 280 आ गई, मतलब ईबीआईटी आ गया। बस अब ईबीआईटी आ गया तो सारी चीजें निकल जाएंगी। करके बताओ जल्दी। हाँ जी, क्लियर है गाइस? सर बन ही नहीं रहा तो कहां से क्लियर है? कुछ गड़बड़ हो गई क्या? नहीं बन रहा है? थोड़ा तेज बोलो। इक्विटी केई, केई निकालना है। डिविडेंड एक्सपेक्टेशन ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर 17.5 दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में और कोई इन्फो ही नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट मुझे यही लेना पड़ेगा 17.5। बस मुझे इसका वेटेड एवरेज करना है, 17.5 इंटू वेटेड एवरेज कैसे करेंगे? वेटेड एवरेज कैसे करेंगे? टोटल इक्विटी शेयर होल्डर फंड कितना है? 600, 340 और 260, 600 डिवाइडेड बाय 1400 कैसे बना? 600 प्लस 800 कितना आया? कितना? 400। क्या गलत लिखा है क्या मैंने? 7.5, ये के ही आया, और के डी वो आफ्टर वेट ना, और के पी यही नहीं, तो टोटल मिला के 11.5। बस आर ओ सी से लेस करना है, हो गया, बन गया। आर ओ सी कितना है? 14, 14 में से 11.5 गया,
2.5 इंटू इंटू ओसी 1400 कितना आया 35 बोलो बेटा आ गया गाइस क्लियर है कि नहीं क्वेश्चन नंबर 69 आप होमवर्क कर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 69 होमवर्क इसका सॉल्यूशन भी मैंने दिया हुआ है इसलिए होमवर्क में दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर 69 होमवर्क क्वेश्चन नंबर 69 होमवर्क ठीक है अब बात करते हैं मार्केट वैल्यू एडेड मार्केट वैल्यू एडेड मार्केट वैल्यू एडेड मार्केट वैल्यू एडेड अभी अपन ने क्या निकाला इकोनॉमिक वैल्यू एडेड क्या बताता है ड्यूरिंग द पीरियड आपने कितना वैल्यू क्रिएट किया सिर्फ ड्यूरिंग द पीरियड के परफॉर्मेंस से ईवीए क्या बताता है ड्यूरिंग द पीरियड के परफॉर्मेंस से आपने कितना वैल्यू क्रिएट किया मेरी बात समझ में आएगी नहीं मार्केट वैल्यू एडेड क्या बताता है आपके मार्केट में जो आपका शेयर है आपकी नेटवर्थ आपका मार्केट का जो नेटवर्थ है कंपेयर टू योर बुक वैल्यू कंपेयर टू योर बुक वैल्यू नेटवर्थ कितना बढ़ गया अरे यार तुम्हारे बिजनेस में डेट फंड्स ने कितना पैसा लगाया है मान लो 100 करोड़ तुम्हारे बिजनेस में डेट फंड ने कितना पैसा लगाया 100 करोड़ तुम्हारे प्रेफरेंस वालों ने कितना पैसा लगाया कुछ भी बोल दो कितना लगाया 200 करोड़ चलो तुम्हारे इक्विटी वालों ने कितना पैसा लगाया इक्विटी कैपिटल वालों ने 500 करोड़ हाँ? और उन्होंने तो पैसा 500 करोड़ लगा लिया था प्लस तुमने बिजनेस में इनको कमा के भी दिया रिजर्व एंड सरप्लस मान लो 700 करोड़ बताओ तुम्हारी कंपनी की नेटवर्थ कितनी है 1500 हाँ अब ये जो तुम्हारे है ना ये तुम्हारे बैलेंस शीट फिगर्स हैं बोलो बेटा तुम्हारे जो डेट है ना वो लिस्टेड है तो उनकी मार्केट वैल्यू डेट की मार्केट वैल्यू आज 120 करोड़ है तुम्हारा जो प्रेफरेंस है ना वो भी लिस्टेड है वो भी लिस्टेड है इनकी मार्केट वैल्यू 250 करोड़ चल रही है अरे बोलो यार और जो तुम्हारे इक्विटी है ना वो तो डेफिनेटली लिस्टेड ही है इक्विटी शेयर्स तो कंपनी के लिस्टेड होते हैं ना लिमिटेड कंपनीज के तुम्हारा जो इक्विटी कैपिटल है ना वो भी लिस्टेड है तो तुम्हारे एक शेयर की वैल्यू चल रही है 15 रुपए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर तो तुम्हारे मार्केट में तुम्हारे इक्विटी की वैल्यू चल रही है मार्केट में तुम्हारे इक्विटी वैल्यू चल रही है 2000 करोड़ और तुम्हारे इक्विटी फंड्स की मार्केट वैल्यू चल रही है 2000 करोड़ बताओ तुम्हारा मार्केट कैपिटल कितना है तुम्हारा नेटवर्थ मार्केट के हिसाब से कितना है 2370 करोड़ तुम्हारी बैलेंस शीट में कितना है 1500 और तुम्हारा मार्केट में कितना चल रहा है इसका मतलब तुमने कितना वैल्यू क्रिएट किया 1500 से ऊपर तुमने कितना मार्केट क्रिएट किया तुमने मार्केट में कितना वैल्यू क्रिएट किया है 870 इज योर एमवीए मार्केट वैल्यू एडेड मतलब तुम्हारी नेटवर्थ जो है बुक वैल्यू नेटवर्थ उससे ऊपर तुम्हारा मार्केट वैल्यू नेटवर्थ कितना है तुमने कितना वैल्यू क्रिएट किया आई बात समझ में कि नहीं दिस इज योर मार्केट वैल्यू एडेड कुछ समझ में आया कि नहीं अरे ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे कुछ समझ में आया कि नहीं हाँ व्हाट इज मार्केट वैल्यू एडेड इज अ डिफरेंस बिटवीन
बुक वैल्यू नेटवर्थ एंड मार्केट वैल्यू नेटवर्थ। एक और तरीका होता है मार्केट वैल्यू रेट निकालने का, ईवीए क्या होता है, ईवीए क्या होता है, ड्यूरिंग द ईयर तुमने कितना वैल्यू क्रिएट किया, हा, डिवाइडेड बाय कैपिटलाइजेशन रेट, दिस इज योर मार्केट वैल्यू एडेड। तुम ड्यूरिंग द ईयर कितना वैल्यू क्रिएट कर रहे हो, हर साल क्रिएट करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, डिवाइड बाय कैपिटलाइजेशन रेट, ये तुम्हारी मार्केट वैल्यू एडेड आ जाएगी। आई बात समझ में कि नहीं? अरे बोलो ना यार, क्यों भाई, समझ में आया पक्का? सो मार्केट वैल्यू एडेड के दो तरीके होते हैं, मार्केट वैल्यू एडेड के दो तरीके होते हैं, मार्केट वैल्यू एडेड के दो मेथड्स। पहला मेथड मार्केट वैल्यू नेटवर्थ माइनस बुक वैल्यू नेटवर्थ, दिस इज कॉल्ड मार्केट वैल्यू एडेड। और दूसरा ईवीए डिवाइडेड बाय कैपिटलाइजेशन रेट, ये दो तरीके होते हैं मार्केट वैल्यू एडेड निकालने का। समझ आया? बोलो बेटा समझ में आया पक्का? आज तक इसके ऊपर इकलौता एक क्वेश्चन आया है मई 2014 में 4 मार्क्स का, इकलौता एक क्वेश्चन आया है, पढ़ो और करके बताओ। इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 इज फुली पेड अप 505, 9% कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 ईच 150, 12% सिक्योर डिबेंचर्स ऑफ 10 ईच 5 लाख, ये रुपए नहीं है 5 लाख नंबर्स हैं ये, रिजर्व्स 101, स्टैट्यूटरी फंड्स 50-50। The statutory fund is compulsorily required to be invested in the government in securities. The ordinary shares are quoted at a premium of 500%. Preference shares at 30 rupees and debentures at par value. You are required to ascertain the market value at it. Nikal gaya? Nikala? क्वेश्चन नंबर 70, सबसे पहले बुक वैल्यू निकालते हैं। क्या क्या है बुक वैल्यू का? प्रेफरेंस का बुक वैल्यू बोलो, डेट का बुक वैल्यू बोलो, हाँ 50, और इक्विटी शेयर कैपिटल बोलो, हाँ 505, रिजर्व एंड सरप्लस बोलो, रिजर्व एंड सरप्लस 101 प्लस स्टैट्यूटरी फंड्स, सर नहीं आएगा, स्टैट्यूटरी फंड्स आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? एंटिटी का खुद का फंड नहीं है, किसका फंड है वो? नहीं, एंटिटी का खुद का फंड नहीं है, स्टेटरी फंड एंटिटी का खुद का फंड नहीं होता, ये एंटिटी का खुद का ही फंड है, बट उसने कुछ पार्क करके अलग जगह रख दिया है स्पेसिफिक पर्पस के लिए, शायद इनकम टैक्स की कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी, डिडक्शंस वगैरह चाहिए होंगे, इसलिए उन्होंने बना के रख दिया है, बट अल्टीमेटली ये है तो प्रॉफिट का हिस्सा ना, अरे बोलो ना, ये है तो प्रॉफिट का हिस्सा ना, आप अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचो, आप तो मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, अगर कंपनी बंद हुई तो ये भी तो प्रॉफिट है ना हमारा, बोलो बेटा, तो इसको भी जोड़ो कितना है, 50.5,
टोटल बोलो कितना है, 856.5। अब बोलो मार्केट वैल्यूज, मार्केट वैल्यूज तुम्हारे डेट की मार्केट वैल्यू कितनी है, सेम पार। तुम्हारे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की मार्केट वैल्यू कितनी है, ₹30 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, 450। तुम्हारे इक्विटी की मार्केट वैल्यू कितनी है, कैसे प्रीमियम ऑफ 500% प्रीमियम, तो तुम्हारा शेयर का वैल्यू क्या है, ₹100 प्लस 500% है ना, ₹100 प्लस 500% कितना, 600 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स 5.05, करो कितना आ रहा है, 30 30। टोटल बोलो 3530। बताओ मार्केट वैल्यू एडेड क्या है, टू सिक्स सेवन थ्री पॉइंट फाइव। क्लियर क्या बेटा, क्लियर हुआ, टू सिक्स सेवन थ्री पॉइंट फाइव मार्केट वैल्यू एडेड। अंडरस्टूड, बोलो बेटा क्लियर, क्लियर यहां तक पक्का, सो आपका इकोनॉमिक वैल्यू एडेड डन, आपका मार्केट वैल्यू एडेड डन। आज मैं क्लास यहीं ओवर कर रहा हूं, ठीक है, टुमारो वील कंटिन्यू विथ द रिमेनिंग टॉपिक्स एंड देन वील स्टार्ट द मेजर टॉपिक, ठीक है। आज की क्लास में थोड़ा जल्दी छोड़ रहा हूं, ठीक है, टुमारो हम कंटिन्यू करेंगे विद द सेम। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।